हाय एवरीबॉडी, क्या हाल चाल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सीए फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के दो नए चैप्टर ऐड हुए हैं, सबको पता है। उनमें से जो एक चैप्टर है अकाउंटिंग एंड टेक्नोलॉजी, ये लेक्चर उस पर है। अब पहले तो लेक्चर शुरू होने से पहले सिर्फ 5 मिनट ध्यान से मेरे इंस्ट्रक्शंस को सुनिएगा, ताकि चीज़ें आपको और क्लियर रहें, बेहतर रहें। सो गाइज, अकाउंटिंग एंड टेक्नोलॉजी, जब ये चैप्टर इंट्रोड्यूस हुआ, आप भी अपना आईसीआई का मॉड्यूल जरूर रेफर करिएगा, आपको इस चैप्टर को देखकर सबसे पहला फील आएगा कि आइला, ये तो मैं सीए इंटर में आईटीएसएम जो सब्जेक्ट हुआ करता था, ईआईएस वाला पार्ट, वो वाला कुछ फील आ रहा है, राइट? सो मैं बता दूं कि यस, दैट फील एक्चुअली इज देयर इन पर्टिकुलर चैप्टर। अब हुआ क्या कि वो चैप्टर अगर मैं पढ़ाता हूं तो मुझे पता है कि मेरा आईटी वाला पार्ट और ये सिस्टम और डेटा और क्लाउड, इन सब वाले पार्ट, मेरा पार्ट वैसे ही मैं इसमें बहुत नाजुक हूं। सो आई डिसाइडेड कि क्यों ना इसके लिए एक एक्सपर्ट फैकल्टी, स्पेशलाइज्ड फैकल्टी हो। एंड इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि जो हमारे वी स्मार्ट अकेडमी के जो फैकल्टी हैं, सीए पवन गाहूकर सर, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ये चैप्टर पढ़ाएं। मैंने उनसे बात की एंड ही रियली फेल्ट वेरी गुड। उन्होंने बोला बिल्कुल सर, क्यों नहीं। सो ये जो पर्टिकुलर पूरा चैप्टर है, ये चैप्टर मैं ये समझता हूं कि ऐसा फैकल्टी पढ़ाए जो उस टॉपिक में एक्सपर्ट हो पहले से ही, ताकि आपको सही डिलीवरी मिले, आपको सही अंदाजा मिले, आपको लिखने का तरीका मिले। तो पवन गहूकर सर ने ये पूरा चैप्टर पढ़ाया है। कुल मिला के 2 लेक्चर्स हैं। दोनों के दोनों लेक्चर्स मैं YouTube पे डाल रहा हूं। आप ये लेक्चर शायद YouTube पर देख रहे होंगे, हो सकता है अगर आप मेरे रजिस्टर्ड स्टूडेंट हो तो आप ऐप पे भी देख रहे होंगे। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में, इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर के नोट्स भी मिल जाएंगे, PDF फाइल। आप प्लीज डाउनलोड जरूर करिएगा, क्योंकि मैंने अपने बुक्स में, हार्ड कॉपी बुक्स में फिलहाल ये चैप्टर ऐड नहीं किया था, तो मैं आपको PDF ओपनली प्रोवाइड कर रहा हूं। अगर आप ऐप में डायरेक्टली देख रहे हैं तो आपका जो वी स्मार्ट स्टूडेंट लॉगिन है उसके अंदर आपको ये चैप्टर का PDF मिल जाएगा। पवन गहूकर सर के बारे में और चैप्टर के बारे में मैं आपको कुछ बातें बता दूं। सबसे पहले, पवन गहूकर सर इज एक्सपर्ट फैकल्टी इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक सब्जेक्ट। ही ऑलरेडी टीचेस इकोनॉमिक्स इन सीए फाउंडेशन और उनको बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है सीए फाइनल में ही। यस, जब सीए फाइनल में इसका करके एक सब्जेक्ट हुआ करता था, ISCA इसका, तो पवन गहूकर सर वो इसका सब्जेक्ट बहुत जबरदस्त लेवल पे पढ़ाते थे। फिर इंटर में जो EIS करके सब्जेक्ट था, IT EIS, वो भी उन्होंने बहुत सालों तक पढ़ाया। बच्चों को उनकी टीचिंग में बहुत मजा आता है। मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहता हूं जो आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर में फील आएंगी और आपको मजा आएगा। सबसे पहले, पवन सर ने हर एक चीज को बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है बच्चों के साथ। द वन ऑफ द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस ओवरऑल डिस्कशन एंड ओवरऑल लेक्चर, पवन सर ने हर एक टॉपिक के बाद क्विज लिए हैं। और क्विज लेने से क्या होता है ना, बच्चे को कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि हाँ, अभी मैं जो पढ़ के आया, पवन सर ने जो पढ़ाया, अब मैं उसका आंसर कर पा रहा हूं कि नहीं। दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर। इसके अलावा पूरा कॉम्प्रहेंसिव कवरेज किया है पवन सर ने, जिस तरीके से एग्जाम में आपको तैयार करना चाहिए वैसा किया है। ये कोई रिविजन लेक्चर नहीं है, ये प्रॉपर एक रेगुलर लेक्चर है जो कि 2 लेक्चर्स में कवर किया गया है, ठीक है। सो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरा का पूरा ढंग से ये चैप्टर करिएगा, पूरे 2 लेक्चर्स कोशिश करके एक शॉट में कंप्लीट करिएगा और उसके दिए हुए क्वेश्चंस भी सब निपटाइएगा। इसको आप पेंडिंग मत छोड़िएगा, एक लेक्चर देख लिया बाकी बाद में, आधा लेक्चर देख लिया बाकी बाद में, तो ये मत करिएगा। एक और इंटरेस्टिंग बात बता दूं, मैं एक नहीं बल्कि 2 इंटरेस्टिंग बात बता दूं। ये जो लेक्चर्स पवन सर ने लिए हैं, जैसे मैं अपने बच्चों के साथ लेक्चर लेता हूं जूम पे, बच्चों का कम्युनिकेशन होता है, सेम टू सेम इसमें पवन सर ने बच्चों के साथ कम्युनिकेशन किया है। तो आपको लेक्चर देखते वक्त एक लाइव का फील आएगा कि हाँ, आप अकेले लेक्चर नहीं देख रहे हो, कोई दूसरे बच्चे भी हैं जब वो अपने डाउट वगैरह पूछ रहे हैं। तो
और एक और चीज, पवन सर ने जितना भी पढ़ाया है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को ध्यान में रखते हुए पढ़ाया है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को के हेल्प से पढ़ाया है। तो वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो होती है ना वो बहुत ही हेल्पफुल होती है, और इसीलिए मैं आपको कहूंगा कि जब आप पढ़ो तो कोशिश करके कॉपी और पेन लेके पढ़िएगा, और उनके पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में पीपीटी में जो भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लगती है तो वो इमीडिएटली नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि एग्जाम में वो आपको हेल्प हो। सो गाइज आई होप कि आपको ये टॉपिक ज़रूर पसंद आएगा, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा जब ये पूरा चैप्टर आप कंप्लीट कर लें, या फिर आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे भी बताइएगा, मैं आपका जो भी फीडबैक होगा मैं पवन सर तक भी पहुंचाऊंगा। सो अगर लेक्चर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अपने बाकी दोस्तों के साथ भी सर जरूर शेयर करना क्योंकि मैंने ये वीडियो ओपनली डाल दिया है। अब जो सेकेंड चैप्टर बच गया, प्रोफेशनल एंड एथिकल ड्यूटी ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो भी बहुत जल्द हम लेके आने वाले हैं यूट्यूब पे भी और अपने स्टूडेंट्स के लिए ऐप पे भी। थैंक्स अलॉट गाइस, अब से लेक्चर शुरू होगा और पवन सर आपके साथ रहेंगे। थैंक्स अलॉट। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी 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 गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट पवन गौका, वेलकम टू अ क्लास फॉर अकाउंटिंग एंड टेक्नोलॉजी चैप्टर ऑफ सीए फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। सो गाइस, यस, अकाउंटिंग एंड टेक्नोलॉजी आर चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसे हम लोग कहते हैं तो बेसिकली दो चीजें लोगों के दिमाग में आ जाती है, पहले तो अकाउंट्स और ऑडिट, और दूसरा है टैक्स फाइनेंस। ये सब चीजें दिमाग में आती है। अकाउंटिंग हमारे पूरे करिकुलम की स्पाइन है, एंड बिजनेस का वॉल्यूम अब इतना ज्यादा हो गया है कि ये मैनुअल अकाउंटिंग अब इतना फिजिबल नहीं रहा, टू द पॉइंट एक्यूरेटली रिकॉर्डिंग इतना आसान नहीं रहा मैनुअली करना गिवन द वॉल्यूम ऑफ the transaction that we have in today's business. So guys, we have to take the support of technology, and since the advent of the computers and various softwares, we are very well doing that. So guys, yes, the accounting, it's a critical function for all the businesses as it enables to track and manage their financial transaction, budget and investment. So guys, accounts, as you all know, is the spine of every business, is the spine of our curriculum, but it's the spine of every business as well. Many businesses do well, but because of lack of budgeting and investment strategies, because of lack of good accounting, it may face south. So guys, हमें देखना है कि accounting को हम लोग किस तरह better कर सकते हैं with the help of technology. The field of accounting has undergone significant changes in the recent years, primarily due to advancements in the technology. हम जब accounting करते थे तो tally आ गया था। आप भी आर्टिकलशिप करते हो, टैली डेफिनेटली यूज करते होंगे। हम इस चैप्टर में टैली या ईआरपी यूज करना नहीं सीखने वाले, नो दैट्स नॉट आवर एजेंडा। टेक्नोलॉजी का क्रक्स क्या है, नई नई टेक्नोलॉजी कौन सी अकाउंटिंग में कैसे यूज हो रही है, ये हमें पढ़ना है इस चैप्टर में। एज द बिजनेस हैव एम्ब्रेस्ड, दे हैव एक्सेप्टेड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, द अकाउंटिंग प्रोफेशन हैज इवॉल्व, बिकमिंग मोर एफिशिएंट एंड एक्यूरेट विद द हेल्प ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड एफिशिएंट? यस गाइस, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड एफिशिएंट? What do you mean by the word efficient? Oh, mere chartered accountants, tell me, what do you mean by the word efficient? Doing work in right time and at the right cost. Okay. Optimum utilization of resources leads you to efficiency in your operations. Optimum utilization of resources. So guys, jo bhi resources hai, sahi tarike se use karna, that portrays your efficiency. Jaise FR ka paper, वैसे तो अब एमसीक्यू आ गया तो अभी मुझे नहीं लगता ये प्रॉब्लम होगा कि क्वेश्चन कितना सॉल्व किया जाए, लेकिन एफआर का पेपर जनरली कितने मार्क्स का सॉल्व होता है स्टूडेंट्स का, बताएंगे मुझे? सीए फाइनल में एफआर का पेपर कितने मार्क्स का सॉल्व होता है? 80. है ना, जनरली 80 मार्क्स का सॉल्व होता है, बट 80 मार्क्स का सॉल्व करेंगे तो 20 मार्क्स हमने लूज कर दिए, तो ये एफिशिएंसी नहीं कहलाएगी आपकी। अगर स्टूडेंट्स इफ यू सॉल्व एनीथिंग अबव 90 मार्क्स का पेपर, you will be called as an efficient student to solve the paper. The efficiency is optimum utilization of resources. यहां पे हम लोग time as a resource को consider करेंगे। तो हमें efficiency से भी accounting करनी है, और accounting पूरी कोशिश करनी है कि accounting accurate भी हो। क्या हम लोग इस class में tally पढ़ने वाले हैं? हम लोग tally या हम लोग ERP, can you give me the full form of ERP guys? ERP का full form बता पाएंगे? ERP, ओए, वेरी गुड वेरी गुड नीरज, वेरी गुड आंगी, तुम लोगों को मिल रहे अल्फाबेट्स ऑफ ट्रस्ट इस एग्जाम में, ठीक है, ऑल द बेस्ट। ERP इज एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, अगर याद रखना
सीए बनने के बाद अगर आप ईआरपी पे काम कर रहे हो तो समझ जाना आपका सैलरी 5 digits में होगा। सीए बनने के बाद अगर आप ईआरपी पे काम कर रहे हो तो समझ जाना आपका सैलरी 6 digits में होगा। सो इट इज नॉट द इंटेंट ऑफ दिस चैप्टर टू डिस्कस अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इन डिटेल। नहीं, हम लोग कोई अकाउंट सॉफ्टवेयर डिटेल में नहीं समझ रहे। दिस चैप्टर विल नॉट कंटेन फॉर इंस्टेंस कमांड्स टू पोस्ट वाउचर इन द सॉफ्टवेयर लाइक टैली और एसएपी। हम लोग कैसे कमांड देते हैं, क्या करने से एंटिटी ओपन होगी, क्या करने से वाउचर ठीक है बनेगा, ये सब हम डिस्कस ही नहीं कर रहे। हमारे सिलेबस का, हमारे इस चैप्टर का पढ़ने का ये इंटेंशन है ही नहीं। दिस चैप्टर इंटेंड्स टू प्रोवाइड एन ओवरव्यू ऑफ द overview of the impact of technology on accounting profession. It highlights the trends that transforming the industry and challenges that accounting professional face in adapting to new technology. तो guys, issue क्या क्या है, नई technologies कौन सी आई accounts में, इससे आपको अवगत कराना है। Also, ये जब हम लोग ये सारी चीजें जब हम लोग फेस करें तो नई टेक्नोलॉजी कौन सी अडॉप्ट करते वक्त प्रोफेशनल्स को कौन सी प्रॉब्लम आती है, ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइज, वी मूव अहेड with evolution of accounting, genesis of accounting. What do you mean by the word evolution? ऐसे मुझे questions पूछना allowed है ना कि नहीं? What do you mean by the word evolution? Come on, it's easy. Evolution. Anyone? Mohit, Priyanka, Kajal, Janish, Sanjana? Something new generation, new generation. Not bad. Is that development? Haan, correct. Development of accounting. So guys, tell me, who is the father of accounting? Jinhone double entry system laya. Raise your hands. Raise your hands. Don't leak the answer. Who is the father of accounting? Jinhone double entry system laya. Come on, चार्ट अकाउंटेंट बनने वाले हम लोग 6 महीने में। Come on, अकाउंट हमारा स्पाइन है। Tell me. No idea, sir. No clue, never heard, never read. No, sir. Today is the historic day. सब हम लोग ये सारी चीजें पढ़ेंगे। मुझे नहीं पता ये कितना important है other than marks के point of view से, but of course अगर accountant के accountant में accountancy में चार्ट अकाउंटेंट को हमें expert माना जाता है तो we should certainly know this. चलो देखते हैं इवॉल्व कैसे कैसे हुआ अकाउंटिंग का, डेवलपमेंट कैसे कैसे हुआ अकाउंटिंग का। दिस सेक्शन प्रोवाइड्स अ डिटेल्ड हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग फ्रॉम इट्स अर्लीस्ट ओरिजिन्स टू मॉडर्न डे प्रैक्टिसेस। तो हम लोग थोड़ा सा ठीक है, आई नो हिस्ट्री पढ़ने में सबको मौत आती है, बट फिर भी कोशिश करते हैं। दिस सेक्शन प्रोवाइड्स डिटेल हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग फ्रॉम इट्स अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ मॉडर्न डे प्रैक्टिसेस। अंडरस्टैंडिंग द हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग इज एसेंशियल टू कॉम्प्रिहेंड the current state of profession and to the role technology has played in its evolution. कैसे कैसे develop हुआ है accounting? So क्या accounting India में सबसे पहले develop हुई? क्या कहते हो? बोलो। क्या accounting India में सबसे पहले develop हुई? बोलो बोलो। हाँ सर, India ही है सर, जो भी है, हम ही है ज्ञानी, है ना? जी नहीं। Its origin is not basically Indian. The origins of accounting has been traced back to the ancient civilization like Egyptians, Greeks, Romans. In these early civilizations, accounting primarily involved record keeping for tax purpose. ये ना जो major issue रहता था ना, जो major है ना, वो tax का perspective से ही accounting शुरू हुआ। और tax किसका domain है? Tax किसका domain है? Tax किसके लिए important है? बोलो 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 जल्दी। Tax किसके लिए important है? मित्रों, मित्रों जल्दी बोलो। गवर्नमेंट के लिए। सो गाइस, टैक्स पर्पस के लिए रिकॉर्डिंग शुरू किया गया और गवर्नमेंट के रिसोर्सेज का मैनेजमेंट के लिए अकाउंटिंग शुरू की गई। सो गाइस, इट डेट्स बैक टू द इजिप्शियंस, ग्रीक्स एंड रोमन्स। लेकिन मेजरली प्राइमा फेसी अगर हम लोग बात करें तो अकाउंटिंग गवर्नमेंट के लिए ही शुरुआत हुई है इसकी, क्योंकि गवर्नमेंट लोगों से टैक्स लेती है और फिर पब्लिक एक्सपेंडिचर करती है, जिसमें वो लोग थोड़ा थोड़ा क्या करते हैं। अगर अकाउंटिंग नहीं हुई, गवर्नमेंट के काम की अकाउंटिंग नहीं हुई, तो क्या होने लग जाएंगे? बोलो बोलो, क्या होने लग जाएंगे? स्कैम्स होने लग जाएंगे ना, फ्रॉड होने लग जाएंगे ना, सारा हाँ, अननेसेसरी एक्सपेंसेस। करेक्ट। तुम लोग एकदम सटल वर्ड यूज करते हो यार, बहुत ही यू नो, एकदम ही यू नो, यूजिंग पॉलिटिकली करेक्ट यू गाइस आर, है ना, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर। अरे बोलो ना, फ्रॉड करते हैं गवर्नमेंट, बोल नहीं सकते क्या?
अरे एक अगर पॉलिटिशियन ने अगर 5,000 करोड़ का स्कैम नहीं किया तो वो पॉलिटिशियन ही नहीं है इंडिया में, करेक्ट है क्या? और अगर उसमें से भी अगर हम लोग अकाउंटिंग पार्ट निकाल दे, अगर हम अकाउंटिंग पार्ट को जीरो कर दे तो गाइस पता ही नहीं चलेगा कि पब्लिक का पैसा गायब कहां हो गया। एनीवे द अर्ली अकाउंटिंग सिस्टम्स वर मैनुअल एंड पेपर बेस्ड, ये ऐसे ऐसे बनते थे, पेपर बेस्ड अकाउंटिंग होती थी पहले एंड द प्रोसेस वॉज लेबर इंटेंसिव। ऑफकोर्स ये तो 1980s तक पेपर बेस्ड अकाउंटिंग होती थी, 1980s तक। ओके यस गाइस, रोमन एम्पायर में बाय द टाइम ऑफ रोमन एम्पायर द गवर्नमेंट हैड एक्सेस टू डिटेल्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। सो गाइस अगेन मैंने जैसे ही आपको कहा है ये पहले से धीरे 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 टैक्स पर्पस के लिए अकाउंटिंग स्टार्ट हुआ, पेपर बेस्ड और लेबर इंटेंसिव अकाउंटिंग हुई, और सबसे मेजर पर्सपेक्टिव था इसका गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट के लिए ये सब हुआ। गवर्नमेंट को डिटेल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चाहिए थी, रोमन एम्पायर आने तक ये सब चालू हो चुका था। अब सर ये क्या हमको अंग्रेजों का बता रहे हो, हमको बताओ इंडिया का, करेक्ट है? टेल मी इंडिया में अकाउंटिंग बाय एनी चांस किसने डेवलप किया होगा? चलो जाने दो, मैं आपको ज्यादा सवाल नहीं पूछता, आई डो नॉट वॉन्ट टू एम्बैरस माई स्टूडेंट्स। चंद्रगुप्त मौर्य के समय पे, ठीक है, देर वॉज यू नो एन इंटेलेक्चुअल पर्सन, नाम पता है आपको इनका? करेक्ट 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 करेक्ट। सो कैन यू टेल मी द नेम ऑफ द बुक ही रोट? नहीं नहीं, करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, अर्थशास्त्र इस बुक में उन्होंने, ठीक है, अकाउंट्स को कैसे मेंटेन करते इसका डिटेल एस्पेक्ट दिया है। तो चलो देखते हैं, इन इंडिया चाणक्य ऑथर्ड द मैन्युस्क्रिप्ट सिमिलर टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट बुक ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मौर्यन एम्पायर। हिज बुक अर्थशास्त्र कंटेन्स फ्यू डिटेल एस्पेक्ट्स ऑफ मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉर अ सोवरीन स्टेट, फॉर एन इंडिपेंडेंट स्टेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे मेंटेन करते हैं, उन्होंने अर्थशास्त्र इस बुक में बताया है। ओके, द इटालियन लुका पेसिलियो, ठीक है, लुका पेसिओली रिकॉग्नाइज्ड एज द फादर ऑफ अकाउंटिंग। ये इतना पुराना है कि इनकी एक ढंग की फोटोग्राफ भी नहीं आ पाई है। सो द इटालियन लुका पेसिओली, ही वॉज अ मैथमेटिशियन बेसिकली, रिकॉग्नाइज्ड एज द फादर ऑफ अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग, वॉज द फर्स्ट पर्सन टू वर्क ऑन डबल एंट्री बुक कीपिंग, देयर बाय इंट्रोड्यूसिंग द फील्ड इन इटली। Subsequently, accounting practices evolved to include double entry bookkeeping. This system enabled business to create a balance sheet which showed the financial position of the company at the given time. The introduction of double entry bookkeeping was a significant milestone in the history of accounting and laid the foundation of modern day accounting practices. So, guys, so double entry bookkeeping system hai, it is a significant milestone. It's an important point jahan se accounting ka history shuru hua hai. Lekin business pehle zyada volume pe hota hi nahi tha कि सब लोग वरी कर पाए, इतने वॉल्यूम पे होता ही नहीं था कि सब वरी कर पाए। ये सब शुरू हुआ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से मैकेनाइजेशन हुआ, मशीन्स आई, प्रोडक्शन का वॉल्यूम बढ़ा, ट्रांजैक्शंस बढ़े क्योंकि नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बढ़े, नंबर ऑफ बायर्स बढ़े, नंबर ऑफ सप्लायर्स बढ़े, नंबर ऑफ इंटरमीडियरीज, इसके कारण ट्रांजैक्शन का वॉल्यूम बढ़ गया, पूरा सिस्टम कॉम्प्लेक्स हो गया। दिस इज वेयर धीरे 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 अकाउंटिंग को इंपॉर्टेंस मिलने लग गया विद इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। व्हाट यू मीन बाय रिवोल्यूशन? क्रांति, क्या बात है। सिग्निफिकेंट चेंजेस केम टू द अकाउंटिंग प्रोफेशन ड्यू टू द एडवेंट ऑफ मशीन्स एंड मास प्रोडक्शन। अकाउंटिंग बिकेम मोर कॉम्प्लेक्स, रिक्वायर्ड मोर डिटेल रिकॉर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। दिस पीरियड आल्सो सॉ द राइज ऑफ अकाउंटिंग प्रोफेशन विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फर्स्ट प्रोफेशनल अकाउंटिंग ऑर्गेनाइजेशन आईसीएआई। क्या कहते हो, है ना? नो, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ स्कॉटलैंड। The Institute of Chartered Accountants of Scotland is the world's oldest and first professional chartered accountants body, being established by a royal charter in 1854. So guys, ये charter ये किसी राजा के फरमान से बनती है ऐसी institute, इसलिए इसको chartered कहा जाता है। समझ रहे हो? ये ऐसे ऐसे ऐसा होता था फरमान, ऐसे ऐसे कागज पे होता था फरमान, उसको charter कहते हैं। इस charter से
हमारा इंस्टीट्यूट, हमारा भी इंस्टीट्यूट ऐसे चार्टर से बना, इसलिए इसको कहते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया. सब्सिक्वेंटली ऑर्गेनाइजेशन सच एज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन इंग्लैंड एंड वेल्स, सर्टिफाइड प्रैक्टिसिंग अकाउंटेंट ऑस्ट्रेलिया, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, देन सर्टिफाइड एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आयरलैंड वे एस्टैब्लिश्ड इन द 19th सेंचुरी. ठीक है, तो गाइस ये बहुत ही पुराने हो गए. फिर जरूरत महसूस हुई इंडिया में भी विद एडवेंट ऑफ 20th सेंचुरी द एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एस्टैब्लिश्ड फॉलोड बाय ऑर्गेनाइजेशन सच एज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया एंड इंस्टीट्यूट ऑफ सिंगापुर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. नाउ दिस इज हाउ इट हैज इवॉल्व्ड. इन द पोस्ट इंडस्ट्रियल पीरियड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट सच एज कंप्यूटर ट्रांसफॉर्म द अकाउंटिंग प्रोफेशन. सो गाइस पहले तो सब पेपर बेस्ड था, फिर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, उसमें जरूरत महसूस हुई अकाउंटिंग की टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स की गिवन द कॉम्प्लेक्सिटी एंड वॉल्यूम ऑफ द बिजनेस. और फिर 1980s में जब कंप्यूटर्स आसानी से अवेलेबल होने लगे बिजनेस को, तब अकाउंटिंग प्रोफेशन मेजरली ट्रांसफॉर्म हुआ. द इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर्स एनेबल्ड अकाउंटेंट्स टू ऑटोमेट मेनी ऑफ द मैनुअल प्रोसेस एसोसिएट विद अकाउंटिंग, मेकिंग द प्रोसेस फास्टर एंड मोर एक्यूरेट. एक बात बताओ, कितने लोग बैंक ऑडिट पे जाते हैं? गए हो बैंक ऑडिट पे? एनीवन? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ऑडिट किया? बैंक ऑडिट किया कितने लोगों ने? डमी नहीं होना तुम लोग? डमी नो ना? वेरी गुड. तो बैंक ऑडिट किए? बैंक ऑडिट्स एनीवन? वेरी गुड. एनीवन एसबीआई का बैंक ऑडिट, कोई ब्रांच ऑडिट? नो. ओके ओके. सो गाइस टेल मी एसबीआई, tell me the number of branches. SBI, the number of branches. समझते ना business का volume कितना हो सकता है. Tell me the number of branches. Across India, State Bank of India has more than 24,000 branches. 24,000 branches. इतने शहर नहीं है श्रीलंका में जितनी SBI की शाखा है बस. Anyway, how many ATMs of SBI group? Around 60,000 ATMs. So 24,000 branches, 60,000 ATM. ठीक है, हर ब्रांच में कम से कम 100 ट्रांजेक्शन होते होंगे दिन में, क्या कहते हो? Yes. हर ब्रांच में कितना भी बुरा ब्रांच हो, मिनिमम 100 ट्रांजेक्शन होती होंगे. व्हाट से गाइज? हर एटीएम में कम से कम 100 ट्रांजेक्शन होते होंगे. यस सर. ठीक है गाइस, 24,000 ब्रांचेस के साथ, 60,000 एटीएम्स के साथ, एक दिन में कम से कम कितने ट्रांजेक्शन हो गए? एक दिन में कम से कम रफली 8,40,000 ट्रांजेक्शन सिर्फ एक बैंक के, वो भी एक दिन में, वो भी हम मिनिमम बोल रहे हैं. बोलो मैनुअल अकाउंटिंग कर पाएंगे क्या? बोलो. बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है. टू एलुसिडेट फर्दर, इंटरेस्ट कैलकुलेशन इन बैंक्स विच इज करंटली सिस्टम ड्रिवन वॉज वंस कंप्यूटेड मैनुअली बाय द बैंक स्टाफ. इंटरेस्ट कैलकुलेशन टूडे इट्स सिस्टम ड्रिवन. सिस्टम ड्रिवन हा? रेज योर हैंड्स. जब हम बैंकिंग की बात करते हैं तो बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग के सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? बताएंगे मुझे बैंकिंग के सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड नीरज, वेरी गुड, करेक्ट. सीबीएस, कोर बैंकिंग सिस्टम. हाँ, सीबीएस इज द कोर बैंकिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, इट्स अ जॉनर. और फिनेकल ये इंफोसिस ने बनाया हुआ कोर बैंकिंग सिस्टम है. सोनू, सोनू डन, ओरेकल, करेक्ट. सुबकुल समझो, सीबीएस इज द जॉनर, फिनेकल इज वन ऑफ द कोर बैंकिंग सिस्टम का सॉफ्टवेयर गिवन बाय इंफोसिस, आईबीएम का बैंकमेट. ठीक है, ऐसे अलग अलग सॉफ्टवेयर है. आपका आज का असाइनमेंट है टीसीएस के कोर बैंकिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? इंफोसिस ने बनाया तो टीसीएस ने भी बनाया होगा, क्या कहते हो? तो आपका आज का, आज के क्लास का असाइनमेंट है टीसीएस के कोर बैंकिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं. ठीक है, सो to illustrate further, interest calculation in banks which is currently system driven was once computed manually by the bank staff given the huge volume of transaction. abhi humne gina hai
बेयर मिनिमम 8-10 लाख ट्रांजेक्शन होते हैं पर डे इंडिया में, सिर्फ एसबीआई में बेयर मिनिमम है, वो भी 100 ट्रांजेक्शन नहीं होते, एक ब्रांच में रफली 2-3 हजार ट्रांजेक्शन होते हर डे एवरी डे एक ब्रांच में, एक एटीएम में लगभग 500 ट्रांजेक्शन होते हैं, और आजकल तो पैसे विड्रॉल नहीं पैसे डिपॉजिट भी आ चुका है। सो गाइस बहुत ज्यादा वॉल्यूम है, गिवन द ह्यूज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन इंटरेस्ट कंप्यूटेशन यूजुअली टुक ओवर अ मंथ फॉर ईच ब्रांच एंड चांसेस ऑफ एरर्स वर वेरी हाई सिंस द सेम वाज मैनुअल, चांसेस ऑफ एरर्स वर वेरी हाई, तो मैनुअल इसमें तो गड़बड़ होती है, क्या कहते हो तुम लोग, तो आर्टिकल्स हो तुमसे ज्यादा कौन अच्छे से जाने, एम आई राइट गाइस? जब हम लोग कोई भी चीज मैनुअली करते हैं तो ऑफकोर्स इसमें कोई ना कोई एरर्स कोई ना कोई प्रॉब्लम होने की संभावनाएं होती है, सो गिवन द ह्यूज वॉल्यूम देयर इज ऑलवेज अ चांस कि हम लोग एरर्स करें। सो गाइस इसलिए पूरा बैंकिंग सिस्टम सीबीएस पे स्विच हो गया है, कोर बैंकिंग सिस्टम। अब कोर बैंकिंग सिस्टम कैन यू गिव मी द फुल फॉर्म ऑफ कोर? नीरज बोल। नो, कोर है ना सी ओ आर ई का फुल फॉर्म। आंगी बोलो। सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम एनवायरमेंट, इट इज सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन, करेक्ट, सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम एनवायरमेंट। नीरज गुड ट्राई। आंगी, योर नेम इज आंगी, एम आई प्रोनाउंसिंग इट राइट? आंगी, वेल डन। संजना वेल फिनिश्ड, ठीक है। सो गाइस यस, कोर बैंकिंग सिस्टम, कोर है वो, सेंट्रलाइज्ड है वो, इसलिए इट इज कॉल्ड एज, ठीक है, कोर बैंकिंग सिस्टम इज द हार्ट ऑफ अ बैंक, ठीक है। सो करंटली विद अ अपसर्ज ऑफ टेक्नोलॉजी, विद अ इमीडिएट एंड फोर्सफुल एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी इन अकाउंटिंग फील्ड ऑन अकाउंट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग एंड एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑल ऑफ विच आर ट्रांसफॉर्मिंग द अकाउंटिंग प्रोफेशन, मेकिंग इट मोर एफिशियंट एंड एक्यूरेट। ये किसको टॉन्ट मारा जा रहा है बताओ? ये नए नए सॉफ्टवेयर आने से एफिशिएंसी बढ़ गई और एक्यूरेसी बढ़ गई, किसको ताना मारा जा रहा है बताओ? नीरज, एब्सोल्युटली करेक्ट। नीरज अल्फाबेट्स ऑफ ट्रस्ट मिलने वाले हैं, डोंट वरी, वेल डन, वेरी हैप्पी विथ योर परफॉर्मेंस एंड वेरी हैप्पी द वे यू आर ट्राइंग। सो गाइस मेकिंग इट मोर एफिशिएंट एंड एक्यूरेट, हाउएवर, सो गाइस मैनुअल अकाउंटिंग में स्पीड का प्रॉब्लम है, मैनुअल अकाउंटिंग में करेक्टनेस का प्रॉब्लम है, एरर्स आ जाते हैं। सो टेक्नोलॉजी से, हाउएवर दिस न्यू टेक्नोलॉजीज ऑल्सो प्रेजेंट चैलेंजेस फॉर अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स हु मस्ट अडॉप्ट टू द न्यू सिस्टम एंड प्रोसेसेस टू रिमेन कॉम्पिटिटिव। तो कॉम्पिटिटिव रहने के लिए नई नई चीजों को अडॉप्ट करना बहुत जरूरी है। न्यू टेक्नोलॉजी एवरीवन हैज टू अडॉप्ट, इफ यू विल नॉट अडॉप्ट द न्यू टेक्नोलॉजिकल चेंजेस यू विल बी टर्मिनेटेड एज एन अकाउंटेंट, क्योंकि इंडस्ट्री उम्मीद करती है आपसे कि यार एक नया चार्टर्ड अकाउंटेंट है इसको तो नई टेक्नोलॉजी पता होनी ही चाहिए। दिस सेक्शन प्रोवाइड्स एन इनडेप्थ ओवरव्यू ऑफ द करंट स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी इन अकाउंटिंग प्रोफेशन, इट डिस्कसेस द वेरियस टेक्नोलॉजी यूज्ड इन अकाउंटिंग, देयर इंपैक्ट ऑन द प्रोफेशन। कौन सी टेक्नोलॉजी हम लोग बेसिकली यूज कर रहे हैं? सबसे पहले तो हम लोग पूरा सिस्टम को क्या कर रहे हैं? ऑटोमेशन हमारे क्लास का आज का एजेंडा है, ऑटोमेशन फॉलोड बाय क्लाउड कंप्यूटिंग फॉलोड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये चीजें हमने पढ़नी है, हमारा आज का एजेंडा है, वी हैव अ डेडिकेटेड एजेंडा टू सर्व टुडे, हमारा आज का एजेंडा है ऑटोमेशन। व्हाट डू मीन बाय ऑटोमेशन प्रिया? व्हाट डू मीन बाय ऑटोमेशन? नो, नॉट रियली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, किसी भी चीज को अगर हम लोग ऑटोमेटिकली रन करने का सिस्टम सेटअप कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज ऑटोमेशन। सो गाइस टेल मी, किसी भी एटीएम से हमने पैसे विड्रॉ किए, तो क्या अमाउंट, पैसे विड्रॉ करने के बाद अमाउंट जो डेबिट होना चाहिए क्या वो अपने आप हो जाती है या कोई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कोई स्टाफ उसमें अकाउंटिंग एंट्री करता है? बोलो, अपने आप हो जाती है। That's automation. The major change visible in automation of accounting process. ठीक है, जो major change हुआ accounting में वो हुआ है automation. काफी हद तक हमारा काफी हद तक हमारा
काफी हद तक हमारा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो हमारा फेवरेट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, बोलो इंडिया का फेवरेट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, बोलो जल्दी बोलो, करेक्ट, टैली भी तो, टैली भी तो ऑटोमेट करता है ना प्रोसेस, बोलो हाँ या ना? यस सर। कैसे कैसे ऑटोमेट करता है, प्लीज एक्सप्लेन कैसे ऑटोमेट करता है? अपने आप लेजर बनाता है एंट्री मारने के बाद, अपने आप बैलेंस शीट पीएनएल अपडेट हो जाती है। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो अपने आप रेशियोज भी मिल जाएंगे आपको, करेक्ट है? अपने आप क्लोजिंग, अपने आप स्टॉक की डिटेल्स मिल जाएगी। अगर अगर आपने उसको वाइजली यूज किया तो फॉर्म 3CD भी मिल जाएगा उसी में से, क्या कहते हो? ठीक है। सो गाइस, ऑटोमेशन, ऑटोमेशन इज द यूज ऑफ सॉफ्टवेयर एंड अदर टूल्स टू ऑटोमेट मैनुअल प्रोसेस, मेकिंग देम फास्टर एंड मोर एक्यूरेट। वी कैन अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ बिलो एग्जांपल। ठीक है, ये सुना है क्या कभी? ये सुना है, देखा है, वॉट एवर, स्मार्ट बाजार या रिलायंस का स्टोर। सो गाइस, रिलायंस का जो हमारा स्टोर है, ठीक है, अगर हम लोग रिलायंस स्टोर जाते हैं, ठीक है, स्मार्ट बाजार जाते हैं, तो वहां पे कैसे ऑटोमेशन होता है? फॉर इंस्टेंस, लेट अस कंसीडर द एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ प्रोक्योरिंग ग्रोसरीज फ्रॉम अ डिपार्टमेंटल स्टोर सच एज वॉलमार्ट और रिलायंस स्मार्ट बाजार एज द एट द फ्रंट एंड। ठीक है, एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ प्रोक्योरिंग ग्रोसरीज। तो गाइस, क्या क्या होता है, क्या क्या स्टेप्स, क्या क्या स्टेप स्टेप्स यूज होती है, चलो देखते हैं। सबसे पहले द कस्टमर, सबसे पहले द कस्टमर पिक्स हिज और हर ग्रोसरीज एंड रीच द बिलिंग काउंटर, सही है? उसके बाद द पर्सन एट द काउंटर मियरली स्कैन्स द आइटम एट द बार कोड, राइट? वो कुछ तो ऐसा मशीन रहता है उसके पास, जो भी आपने चीज खरीदी है, मान लो आपने ये खरीदा है, तो इस पर वो ऐसा कर देगा अपने स्कैनर से, अपने स्कैनर से वो ऐसा कुछ तो रेड से, रेड कलर का ये घुमाएगा और वो अपने आप सिस्टम में एंट्री हो जाएगी उसकी, करेक्ट है गाइस? द स्कैनिंग ऑटोमेटिकली रीड्स द डेटा एंड इनपुट्स द आइटम प्रोक्योर्ड। प्रोक्योर्ड, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड प्रोक्योर्ड? परचेस्ड एंड करस्पॉन्डिंग सेलिंग प्राइस, वो प्रोडक्ट कौन सा है और प्रोडक्ट कितने का है ये अपने आप पता चल जाएगा आपको। फॉलोड बाय द स्कैनिंग, स्कैनिंग ऑफ बारकोड ऑफ ईच आइटम, द बिल्स आर जनरेटेड विद इन अ कपल ऑफ मिनट्स, आप दो मिनट में बिल जनरेट हो जाएगा। एंड द कस्टमर मेक्स पेमेंट, द कस्टमर मेक्स पेमेंट एंड द बिल इज प्रिंटेड एंड हैंडेड ओवर टू द कस्टमर। सो यहां पे कोई भी काम मैनुअल नहीं हुआ है, बस क्या किया आपने, बस क्या किया आपने, स्कैन कर दिया है, पूरा काम अपने आप हुआ है, पूरा काम अपने आप हुआ है। वेलकम टू द ब्यूटिफुल वर्ल्ड ऑफ ऑटोमेशन। पूरी स्टेप्स एक बार पढ़िए, कहीं भी डाउट है तो मुझे पूछिए। So guys, this becomes easy because हम लोग ये सारी प्रोसेस किसी मॉल में जाके रेगुलरली करते हैं, इसलिए ऑल दी स्टेप्स आर नॉट न्यू। बट गाइज, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ ऑटोमेशन। इसका भी कोई नेक्स्ट लेवल लेके बताओ, इसका भी कोई नेक्स्ट लेवल लेके बताओ, टेल मी। ये जो है ये ऑटोमेटिक हुआ है, लेकिन इसमें भी अभी भी फिजिकल चीजें बहुत इन्वॉल्व है, जैसे पैसे देने पड़ेंगे, पैसे देने पड़ेंगे, यस और नो? सर पैसे नहीं देंगे सर, हम क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड स्वाइप करेंगे, यही कहना है ना आपको, हम क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड स्वाइप करेंगे। गाइस सुनो ना, द फ्यूचर, इन द फ्यूचर इट मे हैपन सो कि आपको कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है, आपको जो डिपार्टमेंटल स्टोर से उठाना है आप उठा लो, आप डिपार्टमेंटल स्टोर से निकल गए, जो जो चीजें आप डिपार्टमेंटल स्टोर से बाहर लेके गए हो उसका ऑटोमेटिक बिलिंग होगा जो आपके मेल पे आ जाएगा और आपके अकाउंट से डायरेक्टली अकाउंट डेबिट हो जाएगा। दैट विल बी द रियल ऑटोमेशन 100%। यहां पे अभी भी काफी काम मैनुअली हो रहा है, दिस इज नॉट 100% ऑटोमेशन, बट दिस इज डिसेंट लेवल ऑफ ऑटोमेशन। ओके, नाउ द एंटायर प्रोसेस हैपेंस इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड, सेविंग वैल्यूएबल टाइम एंड मिटिगेटिंग ऑल द एरर्स। सो गाइस एक मिनट, जैसे ही हमने समय बचा लिया, जैसे हमने समय बचा लिया हमारी प्रोसेस कैसी होगी बताओ, जैसे ही हमने समय बचा लिया हमारी प्रोसेस कैसी होगी? वो कहता है वैल्यूएबल टाइम बचा लिया, तो प्रोसेस कैसी होगी बताओ, टाइम बचा लिया हमने, करेक्ट?
हमारी प्रोसेस एफिशिएंट होगी. एंड मिटिगेटिंग ऑल द एरर्स. व्हाट डू यू मीन बाय मिटिगेटिंग? मिटिगेटिंग यानी क्या? रिड्यूसिंग ऑल द एरर्स, यानी मैनुअल इंटरवेंशन गायब, एरर्स अपने आप कम. ठीक है. हाउएवर एट द बैक एंड द बिलो एक्टिविटीज टेक प्लेस. अच्छा एक मिनट, जो भी अभी तक हो रहा था ठीक है, ये सब फ्रंट एंड पे हो रहा है. फ्रंट एंड जो भी अब तक हो रहा है वो फ्रंट एंड पे हो रहा है. फ्रंट एंड यानी मेरे और वो कैशियर के बीच में, स्टोर में जो हो रहा है. लेकिन ये पूरा काम ऑटोमेटिक होने के लिए कोई ना कोई सॉफ्टवेयर होगा, बोलो. Yes, sir. इसलिए इन्होंने, तो गाइस जो भी है, जो भी वॉलमार्ट या स्मार्ट बाजार के शॉप में हो रहा है, जो आपको दिखाई दे रहा है, वो है आपका, सॉरी रॉन्ग कॉल, वो है आपका फ्रंट एंड, वो है आपका फ्रंट एंड. और ये सारा काम कोई ना कोई, बोलो कौन कर रहा है ये सारा काम? कोई ना कोई, कोई ना कोई सॉफ्टवेयर कर रहा है. वो सॉफ्टवेयर की जो भी प्रोसेस होगी वो बैक एंड पे होगी. तो शैल वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंस एट द बैक एंड? शैल वी? सो गाइस जस्ट अ मोमेंट. ऑलराइट गाइस, लेट्स स्टडी व्हाट हैपेंस एट द बैक एंड. As and when the barcode of an item is scanned at the billing counter, the inventory of the said item at the departmental store is simultaneously updated. जैसे आपने सेल कर दिया, इन्वेंट्री कम हो जाना चाहिए या ज्यादा बढ़ जाना चाहिए? बोलो, कम हो जाना चाहिए. ये अपडेट हो जाएगा, ये अपडेट हो जाएगा, ये अपने आप अपडेट हो जाएगा. आपको उसको स्टॉक से कम करने की अलग से जरूरत नहीं है. ऑटोमेशन, दिस एंश्योर्स एक्यूरेसी इन मेंटेनेंस ऑफ इन्वेंट्री डेटा. आ गया स्टेप नंबर वन, ये काम अपने आप हो गया सारा, और एक्यूरेसी आ गई है इन्वेंटरी डेटा की मेंटेनेंस में. द पीरियोडिकल फिजिकल चेक ऑफ इन्वेंटरी विल गिव कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ द करेक्टनेस ऑफ डेटा जनरेटेड बाय द सिस्टम, देयर बाय गिविंग कंफर्ट ऑन द मैनेजमेंट असर्शन ऑफ एक्यूरेसी वैल्यूएशन एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वेंटरी. सो गाइस, सबसे ज्यादा चोरी इन्वेंटरी में होती है, क्या कहते हो? बोलो, सबसे ज्यादा. तुम लोग आर्टिकल देखो कैसा ना, अब तुम आर्टिकल शिप कर रहे हो, कोई तुमसे छुपा नहीं है. क्या कहते हो? सारी एडजस्टमेंट तुमको पता है कहां होती है. व्हाट डू यू से? ठीक है. तो गाइस यू नो, स्टॉक में ही सारे चेंजेस किए जाते हैं. एट द एंड ऑफ द डे कुछ नहीं मिला तो स्टॉक के ले लो. एनीवे, मैनेजमेंट असर्शन ऑफ एक्यूरेसी वैल्यूएशन एंड एक्जिस्टेंस ऑफ इन्वेंटरी. इन मैनेजमेंट को एक फील गुड आना चाहिए कि भाई हमारा इन्वेंटरी सही है, चोरी तो नहीं हो रही, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, उसका वैल्यूएशन क्या है या नहीं है एक्जिस्टेंस में, इसका थोड़ा बहुत एक फील गुड आ जाएगा मैनेजमेंट को. तो गाइस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से यहां मैनेजमेंट भी निश्चिंत हो रहा है. इट्स अ बिग थिंग having a sigh of relief. A periodical physical check of inventory will also be a conclusive evidence of correctness of data. So guys, aapke jo system se aapko inventory mil raha hai, physical check kar lo. Raise your hands. Inventory ka physical check. Do not leak the answer. Inventory ka physical check. Mujhe sabke haath raise chahiye isme. Inventory ka physical check. Isko kaun sa audit kehte hai? Raise your hands. Very good, Neeraj. Inventory ka physical check. Very good, Priya. Very good, Janish. Mohit, Angi, Sanjana, Sonu. What is this? Very disappointing. इजी क्वेश्चन है ये. प्रियंका, इज एन इजी क्वेश्चन. प्रिया, व्हाट्स द आंसर? स्टॉक ऑडिट. इट इज कॉल्ड एज स्टॉक ऑडिट. ओके, या गाइस, इट इज कॉल्ड एज स्टॉक ऑडिट. सो इन सर्टन केसेस द सॉफ्टवेयर इज सो प्रोग्राम दैट द इनडायरेक्ट टैक्स, दैट इज जीएसटी लेविड ऑन द सेल वैल्यू एज पर द इनवॉइस इज अपडेटेड साइमल्टेनियसली, व्हिच कैन गेट अपलोडेड ऑन द जीएसटी पोर्टल एट द एंड ऑफ द डे बाय अकाउंटिंग टीम इन द बैक एंड. तभी के तभी इनडायरेक्ट टैक्स का कैलकुलेशन आ जाएगा, जो डायरेक्टली जीएसटी के पोर्टल पर भी अपलोड हो जाएगा बैक एंड टीम के. This ensures accuracy in returns uploaded, thereby minimizing the need for manual reconciliation and data maintenance. So, आपका return तभी के तभी ready हो जाएगा. आपको बाद में उस data को लेके अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. इससे आपका बहुत ज्यादा headache कम हो जाएगा. कितने लोगों ने reconciliation पे काम किया है? How many of you have worked on reconciliation? Is it a big headache? क्या is it a big mess to sort? Yes, sir. और ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही वैल्यूएटिंग जॉब नहीं है. रिकंसिलेशन इज नॉट अ वैल्यूएटिंग जॉब. क्या कहते हो? कुछ वैल्यूएशन नहीं है उसका, लेकिन टाइम पूरा पूरा ले लेता है. गाइस, बैक एंड टीम स्ट्रांग रही, आपका सॉफ्टवेयर अच्छा रहा, तो रिकंसिलेशन का भी यू नो रिक्वायरमेंट बहुत कम हो जाएगा बिकॉज ऑफ द एक्यूरेसी. ओके, एक बात बताओ, फ्रंट एंड बैक एंड कितनी बात हो रही है?
मुझे बताओ, एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी का जॉब, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का जॉब फ्रंट एंड का जॉब है या बैक एंड का जॉब है? किस फील्ड में? हाँ मोहित बोलो, हाउ कम इट इज अ फ्रंट एंड जॉब? इफ आई हैपन टू आस्क यू, फ्रंट एंड कैसा है? बताओ ना फ्रंट एंड की फील्ड, बताओ ना हमें, हमें जानना है फ्रंट एंड की फील्ड, बताओ मोहित। मेजरली चार्टर्ड अकाउंटेंसी जॉब इज अ बैक एंड जॉब मेजरली, क्योंकि हम लोग पिक्चर के पीछे रहते हैं, पूरा वो बिजनेस का कारनामा हो जाता है, उसके बाद हमारा रोल आता है, राइट गाइज? अकाउंटिंग बोलो या ऑडिट बोलो, ये सब कुछ पूरा धंधा हो जाने के बाद ही आएगा, करेक्ट है? मेजरली मेजरली, जैसे मोहित ने कहा वो पॉइंट भी सही है, मोहित ने कहा वो पॉइंट भी सही है कि डिपेंड करता है वो कौन से जॉब में, बट मेजरली ऑडिट, अकाउंट्स, टैक्सेशन, ये सिर्फ पूरी पिक्चर रेडी होने के बाद ही हमारा क्रिटिकल इवैल्यूएशन आता है उस पे। तो गाइस सिस्टम पूरा टैक्स के साथ रेडी करके, टैक्स के पोर्टल पे डेटा अपलोड करके आपको मुक्त कर देगा परेशानियों से। सॉफ्टवेयर आर ऑल्सो प्रोग्राम टू एंश्योर दैट द बिल अमाउंट इज ऑटोमेटिकली डिस्प्लेस्ड ऑन द पॉइंट ऑफ सेल मशीन थ्रू विच, पॉइंट ऑफ सेल मशीन, पॉइंट ऑफ सेल मशीन क्या होता है? व्हाट इज दिस पॉइंट ऑफ सेल मशीन? पॉइंट ऑफ सेल मशीन काउंटर पे वो मशीन होती है, हाँ, जिस पे वो लोग ऐसे साफ करके स्वाइप करते हैं या फिर अंदर घुस आते हैं, यू नो दैट, नो दैट मशीन, दैट इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ सेल मशीन थ्रू विच द कस्टमर मेक्स द पेमेंट इधर थ्रू डेबिट और क्रेडिट कार्ड और थ्रू यूपीआई। In case the customer opts to make payment in cash, entering the amount on the screen will open the cash drawer in which the cash is deposited. So guys, वो cash drawer open होना भी system से होता है. It is linked to the system. Since the cash drawer is opened through the system only after logging in by the concerned person, in the case of mismatch in the cash balance, concerned person can be identified, thereby reducing the chances of misappropriation of cash. God. सीधा सीधा सॉफ्टवेयर से अकाउंटेबिलिटी आ रही है, इज इट अ गुड थिंग गाइस? टेल मी, इज इट अ गुड थिंग? सीधा सीधा सॉफ्टवेयर से अकाउंटेबिलिटी आ रही है, ठीक है? कैसे ये पैराग्राफ अच्छे से पढ़ो ये पैराग्राफ प्लीज, यहां पे कोई डाउट्स हो तो मुझे पूछो। Are you done, guys? So soft is a program to ensure that the bill amount is automatically displayed on the POS machine throughout which the customer makes the payment either through debit card or credit card or UPI. UPI se bhi kar sakte ho. Give me the full form of UPI, guys. UPI? Unified Payment Interface. Yeah, kaun hai ye padha likha? Har question ka answer de raha hai. Very good. Theek hai? So guys, cash drawer bhi open hoga. Aur jisse login kiya hai, जब बिलिंग हो रही है उसका लॉगिन है, वो ट्रांजैक्शन उस बंदे ने किया जिसका लॉगिन है, पूरी अकाउंटेबिलिटी आ गई, किसके वक्त कितनी कैश गायब हुई है सब पता चल जाएगा, तो मिस अप्रोप्रिएशन का भी कोई टेंशन नहीं होगी। सो गाइस लेट्स चेक आउट द बेनिफिट्स ऑफ ऑटोमेशन प्रोसेस। सबसे पहला बेनिफिट, स्ट्रीमलाइनिंग द डेटा एंट्री। डेटा एंट्री बहुत ही आसान होगी, क्योंकि डेटा एंट्री कैसे कर सकते हैं हम लोग, कैसे कर सकते हैं बोलो, कैसे कर सकते हैं डेटा एंट्री, कैसे कर सकते हैं? स्कैन करके। तो डेटा एंट्री एकदम स्ट्रीमलाइन होगी। ऑटोमेशन टूल सच एज ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन ओसीआर और बारकोड रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी कैन हेल्प टू ऑटोमेट द एंट्री ऑफ डेटा फ्रॉम सोर्स डॉक्यूमेंट थ्रू रिसीट्स एंड इनवॉइसेस। दिस रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ टाइम एंड एफर्ट रिक्वायर्ड फॉर मैनुअल डेटा एंट्री एज वेल एज मिनिमाइजिंग द पोटेंशियल फॉर ह्यूमन एरर। तो सबसे पहले हमारा डेटा एंट्री का काम आसान हो गया, स्ट्रीमलाइन हो गया, एक तरीके से सेटअप हो गया, इसी को कहते हैं स्ट्रीमलाइनिंग। ओके, उसके बाद स्ट्रीमलाइन हो गया, ऑटोमेटिक हो गया, जिससे क्या कम हुआ? टाइम और एफर्ट। टाइम कम हो गया और एफर्ट कम हो गया। जस्ट अ मोमेंट,
ओके, टाइम कम हो गया, एफर्ट कम हो गया, स्ट्रीमलाइन हो गया सारा डेटा एंट्री. उसके बाद एक्सेलरेटिंग डेटा प्रोसेसिंग. एक्सेलरेटिंग एंड स्पीड अप. ऑटोमेशन कैन हेल्प द प्रोसेस टू प्रोसेस लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ ट्रांजेक्शन मोर क्विकली एंड एक्यूरेटली थ्रू मैनुअल मेथड्स. फॉर एग्जाम्पल, सॉफ्टवेयर कैन ऑटोमेटिकली कैटेगराइज ट्रांजेक्शन इंटू एप्रोप्रिएट अकाउंट्स, कैलकुलेट टैक्स अमाउंट एंड जनरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अमंग्स अदर टास्क. सो बेसिकली ये तो टैली की चीज उन्होंने दे दी. टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जनरेट हो जाएंगे, सही लेजर में चले जाएगा सारा डेटा. सो गाइस, आपका डेटा सही तरीके से कैटेगराइज हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, एक्यूरेटली हो जाएगा, तो चांसेस ऑफ एरर कम हो जाएंगे. सो गाइस, क्या हो गया सेकंड बेनिफिट, एक्सेलरेटिंग डेटा प्रोसेसिंग. क्या एक्सेल कभी गलती करता है बोलो? इतने दिन से आर्टिकलशिप कर रहे हो, क्या ये पता चला है कि क्या एक्सेल कभी गलती करता है? एक्सेल कभी गलती नहीं करता. क्या अगर आपने 5000 की एंट्री ली है तो क्या गलती से वो 500 रुपए या 50,000 रुपए हो जाता है? क्या मैनुअली जब हम कोई चीज करते हैं, काफी बार लिखते वक्त क्या बैलेंस शीट टैली करने में ये प्रॉब्लम आती है आपको कि यार 500 की जगह 55,000 लिख दिया, पूरी बैलेंस शीट में 4,500 का डिफरेंस आ गया और वो आखिरी तक मिला ही नहीं. क्या ऐसा होता है? ह्यूमन एरर है वो. सिस्टम बेस करोगे कभी ये गलती नहीं होगी. एनहांसिंग द एक्यूरेसी. ऑटोमेशन हेल्प टू रिड्यूस द एरर्स एंड डिस्क्रिपेंसीज इन द अकाउंटिंग प्रोसेस बाय ऑटोमेटिंग टास्क सच एज डेटा एंट्री एंड कैलकुलेशन. बिजनेस कैन मिनिमाइज द रिस्क ऑफ एरर्स कॉज्ड बाय द ह्यूमन एरर, इंप्रूविंग द एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ देयर फाइनेंशियल डेटा. सो गाइस, ओवरऑल ये क्या होता है, आपका एरर का चांस कम कर देता है थैंक्स टू ऑटोमेशन. उसके बाद सही डेटा रहा हमारे पास तो हम लोग डिसीजन भी सही ले सकते हैं. पुराने जमाने में आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सही है या नहीं, आपके बिजनेस का ट्रू और फेयर व्यू देते हैं या नहीं, यही नहीं पता चलता था. अब ये जब पता ही नहीं चलता था तो बिजनेस डिसीजंस लेने में भी थोड़ी दिक्कत होती थी. सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट ये नहीं, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर एक्यूरेट रहे तो सबसे मेजर जो बेनिफिट मैं कहूंगा वो है डिसीजन मेकिंग. याद रखना, आप जब चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहे हो ना, हमारा मेजर जॉब ही डीएम होता है. हमारा मेजर जॉब ही क्या होता है, डिसीजन मेकिंग में कंट्रीब्यूट करना, डीएम. ऑटोमेशन कैन प्रोवाइड रियल टाइम इनसाइट्स थ्रू फाइनेंशियल डेटा. रियल टाइम इनसाइट्स इनटू फाइनेंशियल डेटा, जैसे रेशियोज मिल जाएंगे आपको. KPI सुना है कभी? KPI, हैव यू एवर हर्ड अबाउट KPI? नो, वेरी गुड प्रिया. KPI, एवर हर्ड अबाउट KPI गाइस? जल्दी नो. नीरज, वेरी गुड नीरज, वेरी गुड मोहित, गुड टीम वर्क. की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स. तो गाइस, आपको की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स भी मिल जाते हैं आजकल. की परफॉर्मेंस इंडिकेटर भी मिल जाते हैं बिजनेस के सॉफ्टवेयर के अंदर ही. सो आप डिसीजन लेना आसान हो जाता है. एनेबलिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजन, यानी आपके पास इंफॉर्मेशन है तो डिसीजन भी वेल इन्फॉर्म्ड होता है. विथ ऑटोमेटेड रिपोर्ट द टाइम स्पेंट ऑन रूटीन टास्क इज ग्रेटली मिनिमाइज्ड, एनेबलिंग बिजनेसेस टू गेन डीपर इनसाइट्स इनटू देयर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, आइडेंटिफाई ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स एंड एडजस्ट देयर स्ट्रेटजीज accordingly, identifying trends and patterns and adjust their strategies accordingly. So guys, आपके decisions well informed होते हैं, बहुत आसान हो जाता है decision लेना क्योंकि आपके पास information होती है. So guys, सबसे important, well informed decision आप quickly ले सकते हो. Routine task में आपका समय कम हो जाएगा और financial performance अगर उसके trends और patterns पता चल गए तो हमें यह भी पता चलेगा कि इस साल हम लोग कितनी, पिछले साल हमने कितनी ग्रोथ की, इस साल हम लोग कितना ग्रोथ एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, तो हमें कितना इन्वेंट्री मेंटेन करना चाहिए, किससे सप्लाई करवाना चाहिए माल एंड व्हाट नॉट, व्हाट ऑल थिंग्स. आपके डिसीजन मेकिंग क्विक हो जाएंगे थैंक्स टू द अवेलेबिलिटी ऑफ रियल टाइम इनसाइट्स इनटू द फाइनेंशियल डेटा. रियल टाइम इनसाइट्स का बेस्ट एग्जांपल KPI लिख दो, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर. की परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या होता है आप गूगल कर लीजिएगा. सेविंग टाइम एंड मनी, ठीक है, सेविंग सबसे इंपॉर्टेंट है. कुछ भी अगर बेनिफिट का अगर तुमको आंसर नहीं आया ना, याद रखना, कुछ भी बेनिफिट का तुमको आंसर नहीं आया तो याद रखना, पैसों के नाम पे ऐसा सो जाना वहां पे, पैसों के नाम पे. यानी अगर कोई भी डिसएडवांटेज पूछा, पहला ही डिसएडवांटेज, बहुत महंगा है, ठीक है, पहला ही बेनिफिट, पैसे बच जाएंगे, समझ रहे हो ना.
So, by saving time and money, automation reduces the amount of time and resources required to perform manual tasks such as data entry and reconciliation. This results in businesses saving on staffing cost and increases productivity and enabling accountants to focus on higher level tasks such as analysis and planning. So, guys, आपका data entry का समय बच जाता है, staffing cost कम हो जाती है, accounts enable हो जाते हैं और सारा analysis और planning आसान हो जाता है. And last step is facilitating compliance. Automation helps the business to stay compliant with regulations and standards by ensuring accounting practices meet necessary requirements. As seen above, automation ensures accurate data for the purpose of return filing. So guys, 1 minute. आपका compliance आसान हो जाता है. क्या हो जाता है? आपका compliance आसान हो जाता है. आपका अगर आपका compliance आसान हो गया तो इससे आपको benefit क्या मिलेगा? यार अगर compliance हट गया तो मुझे एक person जो specially उसके लिए मैंने रखा है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी. Further, in case of systems or so program, reporting tools can generate financial statement that meet the criteria of Ind AS or Ind GAAP as the case may be. This would ensure minimize the risk of non-compliance and potential penalties. So, aapki penalties kam ho jayegi. Alright? Yeah, these are the benefits of automation. Check kar lijiye. And this is how you can learn this. So guys, benefits of automation process, improving decision is safe, improving decision making is may saving time and money humne use kar liya, then S is streamlining data entry, accelerating data processing, then facilitating compliance and enhancing accuracy. These are the benefits of automated process. Alright guys, I hope it's done. सुनिए ना, क्योंकि first attempt है, I guess new course में आपका first attempt है, right? Yes, sir. आप ये question exam में लेके चलिए, ये question आप exam में लेके चलिए, बिल्कुल आएगा, इसका sticky note ready रखिएगा. Super cool, can we move ahead? अब हमने benefit पढ़ लिया automation का, ठीक है? I hope ये learn हो जाएगा, अच्छा technique है? Yes, sir. है ना? Yes, so, sir. Yes guys, so बेनिफिट्स ऑफ ऑटोमेशन प्रोसेस, बेनिफिट पढ़ लिया, क्या कोई ना कोई डिसएडवांटेज रहेगा या सब कुछ सही है बॉस? सब कुछ सही रहेगा, बोलो. नहीं 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 नहीं, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर रहेगी, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर रहेगी. सो लेट्स चेक आउट द चैलेंजेस इन ऑटोमेशन प्रोसेस. ऑटोमेशन ऑल्सो कम्स विथ इट्स ओन सेट ऑफ पोटेंशियल ड्रॉबैक्स एंड चैलेंजेस, सम ऑफ देम आर मेंशन बिलो. सबसे पहला, इट arises the need for ongoing training and education to keep up with the latest technology. तो गाइस सबसे बड़ा major area है, आपको training और education की जरूरत पड़ेगी कि नए-नए technology से adapt हम करते रहे. So आपको employees को train करना पड़ेगा, खुद को train करना पड़ेगा और educated रहना पड़ेगा with the latest technology. Automation also presents a risk of data breaches. जब सब कुछ सिस्टम बेस्ड हो जाता है और जब सब कुछ इंटरनेट बेस्ड हो जाता है, इंटरनेट इज नॉट अ प्लेस वेयर यू शुड एक्सपेक्ट सेफ्टी. सो गाइस, मेजर एरिया रिस्क ऑफ अनऑथराइज्ड एक्सेस ऑफ डेटा, कॉन्फिडेंशियलिटी इश्यू हो सकता है. उसके बाद साइबर अटैक्स हो सकते हैं आप पे. हर दिन कहीं ना कहीं आप जरूर ऑनलाइन पढ़ते ही होंगे कि साइबर अटैक हो रहा है, साइबर अटैक हो रहा है, तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये प्रॉब्लम आ जाएगी, वो प्रॉब्लम आ जाएगी, किसी को डूप किया गया 4 लाख से ऑनलाइन पेमेंट में, किसी के साथ पैसे अकाउंट में से पैसे काट लिए, सारे साइबर अटैक्स है, विच कैन कॉम्प्रोमाइज द सिक्योरिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ फाइनेंशियल डेटा. ठीक है,
या सोच लो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सर्वर हैक हो गया, पूरा सिस्टम बेस्ड है, तो क्या 24,000 ब्रांच और उसके हजारों लाखों शेयर होल्डर्स, अकाउंट होल्डर्स क्या टेंशन में आ जाएंगे? बोलो। देन परफेक्ट। ड्यू टू ऑटोमेशन देयर एग्जिस्ट पोटेंशियल लॉस ऑफ जॉब्स, हाउएवर, ठीक है, ये तीसरा जो है, इंडिया इज अ प्लेस ऑफ ह्यूज पॉपुलेशन, हमारे यहां पॉपुलेशन बढ़ती नहीं है, हमारे पॉपुलेशन एक्सप्लोड होती है, तो गाइस पॉपुलेशन अगर एक्सप्लोड हो जाती है तो फिर जॉब लॉस होने का चांस है। हाउएवर दिस कैन बी मिटिगेटेड बाय इंश्योरिंग एप्रोप्रिएट ट्रेनिंग टू द वर्कफोर्स टू रिमेन अपडेटेड विद टेक्नोलॉजी। तो काफी लोगों की जॉब जा सकती है ऑटोमेशन के कारण, लेकिन एम्प्लॉयज ने अगर खुद को वेल अडॉप्ट रखा, वेल अडॉप्टेड रखा, नई टेक्नोलॉजी सीखते रहे, ऑफ कोर्स देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। तो ट्रेनिंग करना पड़ेगा, लेते रहना पड़ेगा, डेटा ब्रीच और साइबर अटैक्स का रिस्क हो सकता है और लोगों की जॉब जा सकती है अगर वो वेल अडॉप्टेड नहीं रहे। ऑटोमेशन प्रोसेस को समरी देख लेते हैं। टू समराइज, ऑटोमेशन हेल्प्स द बिजनेस टू अचीव एफिशिएंसी, एक्यूरेसी एंड गुड डिसीजन मेकिंग इन अकाउंटिंग व्हाइल सेविंग टाइम एंड मनी, फैसिलिटेटिंग कंप्लायंस विद रेगुलेशंस एंड स्टैंडर्ड्स। व्हाट स्टैंडर्ड्स, व्हाट स्टैंडर्ड्स आर वी टॉकिंग अबाउट हियर, टेल मी, कौन से स्टैंडर्ड्स की बात हो रही है? कम ऑन, स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंड एस, करेक्ट, जो हमने कंप्लायंस वाले पॉइंट में पढ़ा था ना, ठीक है, इंड एस, इंडियन गैप, इससे रिलेटेड सारे एरिया से हम लोग एकदम वाकिफ रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, सो बेसिकली समरीली उन्होंने यही बताया, यही आंसर को उन्होंने बार बार रिपीट किया है, इंप्रूविंग डिसीजन इज सेफ, इसी पॉइंट को उन्होंने रिपीट कर दिया। सुपर कूल, आर वी डन, आर वी गुड इनफ विद दिस? शैल वी टेस्ट योर नॉलेज, अकाउंटिंग एंड टेक्नोलॉजी, लेक्चर नंबर वन, आर वी गुड इनफ? कोई पॉइंट रिपीट करना है? Shall we test your knowledge? Are you ready? Yes. All right. Yes, sir. All right, guys. I hope everyone has joined the quiz by now. Listen up very carefully. आपको हर क्वेश्चन के लिए 30 सेकंड्स मिलेंगे। There are 4 questions. You have to get it right. You have to get it fast. जितना ज्यादा fast answer करोगे, उतने ज्यादा points मिलेंगे out of 1,000. Finally, there will be a winner amongst us. All right? Are we good to go? All right, here we go. चार ऑप्शंस रहेंगे, 30 सेकंड्स रहेंगे, ठीक है, चार ऑप्शंस रहेंगे, 30 सेकंड्स रहेंगे, एंड ट्राई टू गिव करेक्ट आंसर्स एंड ट्राई टू गिव फास्ट आंसर्स, ठीक है, चार ऑप्शंस रहेंगे, आपको उसमें से ए बी सी डी में से क्लिक करना है। All right? Okay, sir. All right. First question. Go, go, go. Which is the world's oldest and first professional chartered accountants body being established by Royal Charter in 1854? CP Australia, American Institute of CPA, Indian Institute of England and Institute of Chartered Accountants in England and Wales, and Institute of Chartered Accountants of Scotland. So guys, let's check out the final answer. The answer is Institute of Chartered Accountants of Scotland. Jinka answer sahi hai. They were very well attentive in the class. Well done, guys. So Angi is first, followed by Priyanka. Then Neeraj, then Johanna, then Sonu, then Janish, then Sanjana. Well done. Kajal, galat kaise ho gaya answer? Anyway, next question, guys. Second question, again, same story. 30 seconds. Get it fast. Get it accurate. Next question. Go, go, go. Chanakyaji's book dash contains few detailed aspects of maintaining books of accounts for a sovereign state. What is the name of that book? Manuscript, Mauryan Empire, Arthashastra and Chanakya Niti. Yes guys, Mauryan Empire ke period ke, theek hai, intellectual guru the Chanakya ji, jinhone book likhi thi jiska naam tha Arthashastra. Let's check out the leaderboard. Angi has again done it fast, but I guess Neeraj was the fastest in this question and he thereby gets the benefit. Brother Priyanka is first, followed 1 point behind is Neeraj. Then Angi is 2 points behind, 10 points behind is Johanna. Who is Johanna? Sonu, then Janish, Kajal, Sanjana, and Croc. Everyone has done really well. Just a moment, guys. All right, next question. Here we go. Go, 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 guys.
Who was the father of accounting and bookkeeping? The first person to publish the work on double entry bookkeeping is Luca Pacioli. Wonderful. Everyone has got it correct. Well done. It's a matter of speed now. It's not the matter of... So Priyanka, no. She won't object charts. Kajal Chawla has done it the fastest. All right. Angi is first. Again, 1 point behind Neeraj. Then Joanna. Followed by Priyanka, Sonu, Janish, Kajal, Sanjana and Krok. Well done. Are we ready for the next question and the last question? Yes, sir. Go. Last question, here you go. Answer fast, answer accurately. Which of the following is not a benefit of automation? Streamlining data entry, accelerating data processing, enhancing errors, and improving decision making. And everyone has voted. Not a benefit, pucha hai. Not a benefit is enhancing errors. Errors, enhance karna nahi, reducing errors is the benefit of automation. Enhancing accuracy is the benefit of automation. Perfect. Let's check out the final leaderboard position. Angi, Neeraj, Joanna, Priyanka. Oh my. Angi should win this, I guess. No, Joanna should win this, I guess. No, Angi is the winner. Angi, you're first. 2 points behind is Joanna. Who is Joanna? Can we know the name? Yes, sir. Mohit. Followed by Neeraj, who is 9 points behind. And then there's a difference. There's a lot of difference of around 60 points. Sonu. Then 30 points behind is Priyanka. Again, 40 points behind. 50 points behind is Janish. Then Kajal, Sanjana and Croc. So guys, very well done. Shall we call it a day? Yes, sir. Alright guys, this is Pavan Gauka signing off. See you in the next video. Yes. Till then, take care of yourself. Study well. Bye bye. Hello dear students, very 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 good morning all of you. I'm Chartered Accountant Company Secretary Pavan Gauka. Welcome to a class for Accounting and Technology. And in this chapter, we are not going to study exactly what tally is or how ERP or SAP works like. It isn't this. No guys, this class is not going to teach you what is it like. It just will teach you how the general technological adoptions have taken over accounting and what are the nuances every chartered accountant should know of when it comes to technology and accounting together. So basically everything taken together, jaise hum log banking ki baat kare, to banking system has been completely taken over by which software? Which software? CBS. Core banking system. It's the heart of the banking system today. And CBS agar down hua, अगर कोर बैंकिंग सिस्टम डाउन हुआ, बैंकिंग ही बंद हो जाएगी. इस लेवल पे बैंकिंग सॉफ्टवेयर डिपेंडेंट हो चुका है. तो बेसिकली नथिंग एल्स बट इट हैज हेल्प्ड अस टू डू ऑटोमेशन ऑफ द प्रोसेस. जो भी रिपीटेटिव काम है उसको क्विकली करना है तो आपको ऑटोमेशन यूज करना पड़ेगा. व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ऑटोमेशन प्रोसेस? इट स्ट्रीमलाइंस डेटा एंट्री. हर चीज फास्ट कर देता है, एक्सेलरेट कर देता है, एक्यूरेसी बढ़ा देता है क्योंकि मैनुअल इंटरवेंशन कम होता है, डिसीजन मेकिंग इंप्रूव हो जाती है, सेव टाइम एंड मनी एंड फैसिलिटेट्स कंप्लायंस. So yeah, the memory code to learn this is improving decision is safe. Improving decision, IS is say saving, then safe. Streamlining data entry, accelerating data process, facilitating compliance and enhancing accuracy. What do you mean by facilitating compliance? What do you mean by the word compliance? Compliance. Oye mere bhavi chartered accountants, what do you mean by compliance? All right, you have to make sure that the system follows all the laws. All right, anyway, so it arises the need, challenges kya hai, aapko train karna padega employees ko, risk hoti hai data breach or cyber attacks ki, aur logo ki job ja sakti hai, probably, yeah, we move on to the next concept and that is RPA. RPA, yes, robotic process automation. RPA is robotic process automation. And sara kaam RPA mein robots karenge. True or false? Sara kaam RPA mein robots karenge. True or false?
या ट्रू और फॉल्स टेल मी गाइस. फॉल्स गाइस. हम लोग जो अकाउंटिंग का काम कर रहे हैं, हम लोग जो अकाउंटिंग का डिस्कशन कर रहे हैं, सारा काम रोबोट्स करेंगे, ये एकदम सरासर गलत है. इट्स एब्सोल्युटली फॉल्स. बेसिकली रोबोट्स नहीं करेंगे, सॉफ्टवेयर बॉट्स करेंगे. सॉफ्टवेयर बॉट्स करेंगे, ठीक है, बॉट्स कहते हैं इनको. इसलिए जो काम मैनुअल है वो एक सॉफ्टवेयर से हो जाएगा, इसलिए उस सॉफ्टवेयर को बॉट कहते हैं, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन. सो गाइस, इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद रोबोट्स, इट हैज गॉट एवरीथिंग टू डू विद सॉफ्टवेयर बॉट्स. Robotic process automation is an emerging tech that revolutionizes financial reporting process. RPA utilizes software robots, or also called as software robots, also called as bots, to automate manual and repetitive tasks. Guys, जहां भी कोई strategic काम होगा, thought process का काम होगा, वहां पे ये सब काम नहीं आता. ये सिर्फ manual और repetitive tasks को automate करते हैं financial data processing में, analysis में और reporting में. By mimicking human interaction. What do you mean by the word mimicking? Mimicking यानी क्या? Mimicry करते हैं ना हम? Copying some human interactions with digital system. RPA bots can extract and consolidate data, perform calculation, generate reports and ensure compliance with the accounting standards. Again आ गया compliance with the accounting standards. तो सारा compliances खुद कर देगा, अच्छा, by the way, ये compliances accounting से related सजेस्ट कौन करता है? Who tells us that this is the compliance for accounting standards? Anyone? ओए, मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, tell me, जल्दी. No. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ये है, ये कंप्लायंस करना है आपको, ये कौन बताता है? Come on, it's no nano hit. What is this? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का काम होता है कंप्लायंस हुआ है नहीं चेक करना. ऑडिट. ओके, थोड़ा पढ़ने का जरूरत है, चलो ध्यान रखिएगा. वी मूव अहेड. द अडॉप्शन ऑफ आरपीए इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंप्रूव्स एक्यूरेसी, एनहांसेस एफिशिएंसी, फ्रीज अप वैल्यूएबल टाइम फॉर फाइनेंस प्रोफेशनल्स टू फोकस ऑन स्ट्रेटजिक एक्टिविटीज. अरे हम लोग रिपीटेटिव काम बार बार करके खुश नहीं हो सकते. जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के जो प्रोफेशनल्स है वो काफी मंझे हुए होते हैं, काफी एक्सपर्ट होते हैं. उन्होंने बार बार रिपीटेटिव काम करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, उन्होंने अपना काम स्ट्रेटेजिक एक्टिविटीज में डालना चाहिए जिससे कंपनी को फायदा होगा, जिससे ऑर्गेनाइजेशन को फायदा होगा. मोरओवर, आरपीए एनेबल्स ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव टाइमली रिपोर्टिंग, कॉस्ट सेविंग, इंक्रीज डेटा इंटीग्रिटी, अल्टीमेटली लीडिंग टू मोर रिलायबल एंड इनसाइटफुल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. सो गाइज, अगेन आ जाके ना आपको ना यही आंसर्स मिलेंगे. ऑटोमेशन के कोई भी आंसर में आपको ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स यही पढ़ने मिलेंगे. कौन से? एक्यूरेसी, एफिशिएंसी, टाइम बचाता है, पैसे बचाता है, यही बार बार घसीटा जाएगा पॉइंट. हम लोग भी रेडी रहेंगे इस आंसर को लेके. ऑलराइट, सो गाइस, एक जनरल उन्होंने एग्जांपल दिया है. मुझे लगता है आरबीए पे बिल्कुल क्वेश्चन आएगा, आरबीए पे रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन. मैं बता रहा हूं, 100% बता रहा हूं, इस चैप्टर को स्टूडेंट्स टच भी नहीं करेंगे. एम आई राइट गाइस? आप भी नहीं करते टच, व्हाट से? एम आई राइट? और चार मार्क का ना क्वेश्चन, 3 से 4 मार्क का क्वेश्चन आरबीए पे ही आएगा, बिकॉज दिस इज अ न्यूली इंक्लूडेड कॉन्सेप्ट. इट वॉजेंट देयर इन सीए फाइनल पहले, इट वॉजेंट देयर इन ईआईएस एट सीए इंटर लेवल पहले. दिस इज अ वेरी एक्सक्लूसिवली न्यू कॉन्सेप्ट, और कुछ नहीं है. सॉफ्टवेयर आपको आंसर में लिखना है, सॉफ्टवेयर बॉट्स, ये वर्ड उन्हें लिखने चाहिए आंसर में, और मैनुअल और रिपीटेटिव टास्क फाइनेंशियल डेटा प्रोसेसिंग का, एनालिसिस का, रिपोर्टिंग का ये खुद कर देगा, और ये ह्यूमन इंटरेक्शन मिमिक करेगा विद डिजिटल सिस्टम्स एंड इंश्योर्स कंप्लायंस बाय जनरेटिंग रिपोर्ट्स. और इससे फायदा ही होता है, एनहांसेस एफिशिएंसी, एक्यूरेसी, फ्रीज अप द वैल्यूएबल टाइम. व्हाट डू मीन बाय द वर्ड एफिशिएंसी? फिर से पूछ रहा हूं, पिछले लेक्चर में भी पूछा था. व्हाट डू मीन बाय एफिशिएंसी? कम ऑन, एफिशिएंसी, ऑप्टिमम utilization of all the resources. Correct. So using RPA and financial reporting, let us consider XYZ company, a group of companies that prepares CFS in accordance with IND AS 110. To streamline their financial reporting process, XYZ company decides to leverage robotic process automation, RPA. What do you mean by the word leverage? Leverage yani kya? Come on. एक मिनट, मुझे क्वेश्चंस पूछना अलाउड तो है ना बाय द वे? वेरी गुड नीरज, गुड एटीट्यूड, बहुत बढ़िया. यस, लेवरेज. लेवरेज मींस टू पुट इनटू यूज फॉर सम काइंड ऑफ बेनिफिट, दैट इज कॉल्ड एज लेवरेज.
पुट इन टू यूज फॉर सम काइंड ऑफ बेनिफिट. तो चलो देखते हैं. इन दैट केस स्टेप्स इन्वॉल्व वुड बी, पहला एक्स वाई जेड कंपनी हैज मल्टीपल सब्सिडरीज, ईच मेंटेन देयर ओन फाइनेंशियल डेटा. आरपीए बॉट्स आर इंप्लीमेंटेड टू ऑटोमेट द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग फाइनेंशियल डेटा फ्रॉम द सब्सिडरी सिस्टम्स एंड कंसोलिडेटिंग इट इनटू पेरेंट कंपनीज फाइनेंशियल सिस्टम. सो गाइस हमें सीएफएस बनाना है, कंसोलिडेशन करना है, तो हर सब्सिडरी से डेटा क्या करना पड़ेगा, एक जगह लाना पड़ेगा एक्सट्रैक्ट करके, तभी तो कंसोलिडेट हो पाएगा. राइट, आपके सिलेबस में कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है क्या? सीए फाइनल में एफआर में है? परफेक्ट. तो गाइस हु नोज बेटर देन यू, देन द बॉट्स रिट्रीव, बॉट्स ने कौन हुआ, द बॉट्स बॉट्स सॉफ्टवेयर बॉट्स, सॉफ्टवेयर बॉट्स जो रोबोटिक प्रोसेस का काम करेंगे. द बॉट्स रिट्रीव द फाइनेंशियल, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड रिट्रीव, सारी चीज को एक साथ एक्सट्रैक्ट करना, इसको कहते हैं रिट्रीवल. द रिलेवेंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन परफॉर्म नेसेसरी करेंसी कन्वर्जन. हो करेंसी कहां से आ गई, करेंसी कहां से आ गई, अगर फॉरेन. वेरी गुड, क्या बात है प्रियंका, इट वॉज इट प्रियंका, वेरी गुड आंगी. अगर कोई फॉरेन सब्सिडरी अगर होगी तो फिर उसका यू नो करेंसी अलग रहेगा. ठीक है, व्हाट विल बी द करेंसी इफ इट इज अ जर्मन कंपनी, जर्मन सब्सिडरी, मोहित तुमसे ज्यादा उम्मीद थी हमें. नीरज यूरो, जर्मन यूरो कुछ नहीं होता, पूरे यूरोप यूरोप के लिए यूरो होता है. ठीक है, गुड. सो यूरो इट इज एंड मेंटेन देयर ओन फाइनेंशियल डेटा. आरपीए बॉट्स इंप्लीमेंटेड आर इंप्लीमेंटेड टू ऑटोमेट द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग फाइनेंशियल डेटा फ्रॉम द सब्सिडरी सिस्टम्स एंड कंसोलिडेटिंग इट इनटू अ पेरेंट कंपनीज फाइनेंशियल सिस्टम. द बॉट्स रिट्रीव द रिलेवेंट, ओके, एज पर इंड एस 110 इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन नीड टू बी एलिमिनेटेड टू अवॉइड डबल काउंटिंग एंड प्रोवाइड द ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ग्रुप्स फाइनेंशियल पोजिशन. आरबीए बॉट्स, आरपीए बॉट्स आर प्रोग्राम्ड टू आइडेंटिफाई द इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन विद इन द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल डेटा. द बॉट्स ऑटोमेटिकली एलिमिनेट दिस नेसेसरी ट्रांजेक्शन बाय एडजस्टिंग द करस्पॉन्डिंग अकाउंट्स एंड जनरेटिंग एलिमिनेशन एंट्रीज, सिंप्लीफाइंग द प्रोसेस एंड रिड्यूसिंग पोटेंशियल फॉर एरर्स. The bots retrieve the CFS from the parent company's financial system and apply the necessary consolidation adjustments. They perform calculations for non-controlling interest, equity and comprehensive income attributable to parent and non-controlling interest. The bot generates the CFS, consolidated balance sheet, income statement, statement of changes in equity, cash flow statement, ensuring accuracy and consistency in the financial reporting process. So guys, kuch bhi nahi hai. Theek hai? Kya hai steps? RPA ki steps kya hai? Robotic process automation ki steps kya hai? CFS banane mein? अलग अलग सब्सिडरी से डेटा क्या करेंगे पहले? एब्सोल्युटली करेक्ट, पहले एक्सट्रैक्ट करेंगे, सारे जो कन्वर्जन्स है वो करेंगे, रिकंसिलेशन कोई चाहिए वो करेंगे, इंटर कंपनी ट्रांजैक्शंस को चेक करेंगे, 110 एएस को इंड एएस 110 को यूज करेंगे और डबल एंट्री ना हो इसलिए इंटर कंपनी ट्रांजैक्शंस को क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे. एलिमिनेटेड ट्रांजैक्शंस को जो भी एडजस्टमेंट चाहिए वो दे देंगे, पोटेंशियल फॉर कोई एरर्स होगा तो कम हो जाएगा. सीएफएस एक सिस्टम से बनाया जाएगा और जो भी कंसोलिडेशन के एडजस्टमेंट है वो की जाएगी और सारे कैलकुलेशंस परफॉर्म किए जाएंगे फॉर नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, इक्विटी एंड कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एट्रिब्यूटेबल टू पेरेंट एंड नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट और एक फाइनली एक कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट जनरेट होगा. सो गाइस दैट्स इट, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है इसमें, बस याद रखना. मुझे ऐसा लगता है स्टेप्स तो नहीं पूछेंगे, मुझे नहीं लगता, लेकिन एक्सप्लेन आरबीए ऐसा ही क्वेश्चन है, डायरेक्ट एक्सप्लेन आरबीए खत्म, आरबीए खत्म, दैट्स इट. Explain RPA, Robotic Process Automation. तो यहां तो आधे स्टूडेंट्स फुल फॉर्म भी नहीं लिख पाएंगे, आधे स्टूडेंट्स फुल फॉर्म नहीं लिख पाएंगे, हमको ये छोटा सा पैराग्राफ, तीन पैराग्राफ का आंसर रेडी करना है. सुबगुल सर, चार क्वेश्चन है, तीन पैराग्राफ में मार्क्स मिल जाएंगे, जरूर मिल जाएंगे. चार्टर्ड अकाउंटेंसी एग्जाम है, क्वांटम का खेल नहीं होता, क्वालिटी का खेल होता है. एनीवे, चलो शैल वी मूव अहेड विद द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. Yes, sir. चलो टेल मी where is the रेन वॉटर स्टोर्ड, where is the रेन वॉटर स्टोर्ड. ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, फिफ्थ स्टैंडर्ड का, करेक्ट करेक्ट. ठीक है, somewhere इन द क्लाउड, विच क्लाउड, काला वाला, विच क्लाउड, स्काई वाला, Forget it. Which cloud? That's less important. Okay. So guys, एक friend है मेरा जतिन, Facebook पे 1000 से ज्यादा photographs upload करी है. तो ये सारे photographs कहाँ stored है? अगर मुझे Facebook का data चाहिए तो मुझे उसी system पे access करना पड़ेगा. True or false? False.
क्या उसी कंप्यूटर पे लॉगिन करना पड़ेगा या फेसबुक की सारी फोटोग्राफ्स मैं किसी भी कंप्यूटर से एक्सेस कर सकता हूं? टेल मी। छोड़ो ये, इंस्टाग्राम पे जाते हैं। करण एक स्टूडेंट है मेरा, 68 फोटोग्राफ्स अपलोडेड है इंस्टाग्राम पे, ठीक है। वेयर आर दे स्टोर्ड? ये फेसबुक का डेटा, ये इंस्टाग्राम का डेटा। वेयर आर दीज फोटोग्राफ्स स्टोर्ड? These are stored somewhere in the database. Somewhere. And where is that somewhere? कहाँ है Facebook का server? कहाँ है Instagram का server? Forget it. How to access data from Facebook or Instagram? How to access it? How do you access that data? Jaldi. You access the data through internet. This phenomena of accessing something through internet is called as cloud. This phenomena of accessing something is called as cloud. Or Facebook ke paas, Instagram ke paas, hamara data stored hai, right? Unke paas, Facebook ke paas, Instagram ka data, Instagram ke paas, hamara data store karne ke liye kaun sa device hoga? Floppies ya CDs? Tell me. Tell me, make it fast. What will they have? इतना सारा डेटा है, सब लोग इंस्टाग्राम यूज कर चुके हैं। Are you guys on Instagram? Very good. You can certainly follow me on Instagram, insta_pavnn, if you feel like. Okay. So guys, for storage, उनके पास क्या होगा? Floppies होगी बहुत सारी या फिर CDs होगी? Tell me. Tell me, make it fast. चलो और ऑप्शन देते हैं आपको, और ऑप्शन देते हैं, ठीक है। हाँ, क्लाउड का ही, क्लाउड क्लाउड बोल के खत्म नहीं हो जाएगा ना कंसेप्ट, कुछ तो डिवाइस लगेगा। पेन ड्राइव होगी बहुत सारी, 2 मिलियन पेन ड्राइव्स दे विल हैव। अच्छा, हार्ड डिस्क होगी बहुत सारी, कम ऑन जल्दी, यस नो? नो सर, हार्ड डिस्क भी कितनी खरीदेंगे? फॉर सच स्टोरेज इंस्टाग्राम फेसबुक विल रिक्वायर बड़े बड़े ऑप्टिकल जूक बॉक्सेस। वन जूक बॉक्स द कैपेसिटी इज 20 टेराबाइट्स, और ऐसे जूक बॉक्स ये सारे, ऑल दीज जूक बॉक्सेस आर कंप्यूटिंग रिसोर्सेस, दे आर मिनी कंप्यूटर्स ही बोल सकते हैं आप उनको। ऑल दीज जूक बॉक्सेस आर कंप्यूटिंग रिसोर्सेस, और इन रिसोर्सेस को कैसे एक्सेस करेंगे? इंस्टाग्राम का डेटा यहां स्टोर है, फेसबुक का डेटा यहां स्टोर है, इनको कैसे एक्सेस करेंगे? विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। वेलकम टू द कंसेप्ट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। इट्स क्लाउड कंप्यूटिंग। डेटा हमारे पास होता ही नहीं है, हमें इनकी सर्विस सब्सक्राइब करनी है, डेटा हमारे पास होगा ही नहीं। सो गाइस, हाउ टू रीच डेटा इन द क्लाउड? टेल मी, हाउ टू रीच डेटा इन द क्लाउड? कैसे पहुंचेंगे? इंटरनेट की हेल्प से। तो चलो, वी मूव ऑन। क्लाउड कंप्यूटिंग रेफर्स टू द डिलीवरी ऑफ कंप्यूटिंग सर्विसेज ओवर द इंटरनेट। इट अलाउज अकाउंटेंट टू एक्सेस द डेटा एंड सॉफ्टवेयर फ्रॉम एनी डिवाइस विद एन इंटरनेट कनेक्शन। गाइस, जस्ट चेक दिस, ये डायग्राम ये देखो अच्छे से। क्या हम इसको डेस्कटॉप कंप्यूटर से एक्सेस कर सकते हैं? Yes, क्या हम इसको हमारे स्मार्टफोन से एक्सेस कर सकते हैं? Yes, क्या हम इसको हमारे लैपटॉप से एक्सेस कर सकते हैं? Yes, क्या हम इसको हमारे आईपैड से एक्सेस कर पाएंगे? Guys, no matter what device, you can access it quite easily. So, cloud computing refers to the delivery of computing services over the internet. It allows accountants to access data and software from any device with an internet connection. तो याद रखना, अगर कुछ याद नहीं आया वक्त पे, तो याद रखना AA. What is AA? Anywhere access. What is AA? Anywhere access. और ये cloud computing को बहुत ज्यादा respect मिली COVID-19 से। कैसे सर? पढ़ते हैं। द एंटायर वर्ल्ड वॉज हिट इन 2020 विथ प्रोबेबली द बिगेस्ट ब्लैक स्वान इवेंट ऑफ द पास्ट कपल ऑफ डेकेड्स, COVID-19 पैंडेमिक। द कंटिन्यूस लॉकडाउन सीवियरली इंपैक्टेड बिजनेस ऑपरेशंस, केम टू अ स्टैंड स्टिल। दिस इन टर्न लेड टू व्यूइंग क्लाउड कंप्यूटिंग एज अ सीरियस ऑल्टरनेटिव कंपेयर टू ट्रेडिशनल clients of architecture in physical location controlled by entities themselves.
पूरा आपको बिजनेस आपके फिजिकल लोकेशन पे होके पूरा बिजनेस रन करना इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये हमें कोविड 19 में पता चला, क्योंकि फिजिकल रिसोर्सेस को एक्सेस करना मुश्किल था। तो 2020 के लॉकडाउन ने क्लाउड कंप्यूटिंग कॉन्सेप्ट को बहुत ज्यादा इंपेटस दिया और लोगों से क्लाउड कंप्यूटिंग कॉन्सेप्ट यूज करवाया, अडॉप्ट करवाया। क्या हमने भी क्लाउड कंप्यूटिंग यूज कर ली थी? सर हम तो इंस्टाग्राम पहले भी यूज करते थे, अभी भी यूज कर रहे, तो हम लोग तो ऑलरेडी अवगत थे इस कॉन्सेप्ट से, बट देन बहुत सारे लोग जूम मीटिंग्स, गूगल मीटिंग्स यूज करने लग गए, तो तब से पॉपुलर होने लग गया क्लाउड। विद द एडवेंट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, पर्सन कुड एक्सेस द सिस्टम फ्रॉम द रिस्पेक्टिव लोकेशन वर्किंग रिमोटली। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड रिमोटली? रिमोटली मीन्स फ्रॉम अ डिस्टेंस, या नॉट एट द सेम लोकेशन वेयर ऑफिस इज। Work remotely during the lockdowns and ensure that accounting process and reporting requirements did not suffer adversely. Accounting process and requirement कुछ भी नहीं रुका, क्योंकि सब लोग अपने घर से काम कर सकते थे। Cloud computing में आपको ये बहुत सारे क्या मिलेंगे? बहुत सारे jukeboxes मिलेंगे। बहुत सारे jukeboxes मिला के बनता है एक data center, और multiple data centers से बनता है ये। Multiple data centers से बनता है giant server farms. So cloud computing is the use of computing resources as a service through internet, typically the internet. क्या आपने cloud computing use किया है? जी हाँ, अगर आपने कभी Dropbox use किया है, या फिर iCloud use किया है, या फिर अगर हमने Gmail या Google Apps में कोई भी use किया, इसमें से क्या use किया बताओ? Sorry, फिर से बोलो। Sir, Gmail तो हमने use किया है, Google Drive भी हमने use किया है, that is nothing else but the cloud. Yeah, this is not, yeah, correct. Chrome तो हमने definitely use किया है, ठीक है? Internet Explorer हम पहली बार use करते थे Chrome download करने के लिए. Now, cloud computing की service कौन-कौन देता है? Any clue? Who are the service providers of cloud computing? Come on, कौन-कौन service देता है cloud computing की? Sir, definitely एक नाम तो हमारे आगे ही है. कौन सा? Of course. So guys, Hewlett Packard, HP, Google, Dell, IBM, Microsoft and Amazon, और भी companies है, these are the prominent companies that we are well versed with. Give me the full form of IBM. IBM, आंगी, मोहित, सोनू, जेडी, काजल, नीरज, प्रियंका, संजना, IBM, never heard of IBM? जब कोई Apple नहीं था, जब कोई माइक्रोसॉफ्ट नहीं था, जब कोई गूगल नहीं था, तो कंप्यूटर्स बनाने का पूरी जिम्मेदारी आईबीएम पे थी। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स, आईबीएम। चेक करना, अमेरिकन कंपनी है, चेक करना आईबीएम का सीईओ कौन है? एक इंडियन है आईबीएम का सीईओ। एनीवे, वी मूव अहेड। ये सारा क्लाउड सेंटर्स, ये सारा यू नो ऑप्टिकल जुक बॉक्सेस आपके डेटा सेंटर पे होता है, जहां आपका सारा डेटा स्टोर्ड होता है, ठीक है? फेसबुक का सारा डेटा सेंटर, लेटेस्ट डेटा सेंटर कहां है? एनी क्लू? Facebook's latest data center is in Luleå, Sweden. और ये बहुत ही state of art technology use होती है, बहुत ही sophisticated infrastructure लगता है data center maintain करने के लिए, इसलिए you will get biggies in this. तो चलो, shall we proceed? Common applications or cases of cloud computing, shall we? So सबसे पहली जो service होती है, वैसे तो बहुत सारी applications है, सबसे पहली जो service होती है वो होती है storage. एग्जाम्पल आपको दिखा देता हूं। तो हमारी सारी जो जीमेल्स है, हमारी सारी जो जीमेल्स है इसका एक जीमेल के लिए पैसे लगते हैं, ट्रू ऑफ फॉल्स? जीमेल के लिए पैसे लगते हैं, ट्रू ऑफ फॉल्स? कम ऑन, एक लिमिट तक पूरी होता है उसके बाद पैसे। करेक्ट, 15 GB ऑफ स्टोरेज यू हैव गॉट। सो अगर 15 GB खत्म हो गया तो गेट मोर स्टोरेज, तो फिर 100 GB का प्लान है। चेक इट आउट, 100 GB का प्लान है, तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइडर फ्री में नहीं कर रहे, इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन कर रहे, ठीक है? 100 GB का प्लान है फॉर 35 rupees पर मंथ। सर मुझे ज्यादा डेटा चाहिए, 200 GB का प्लान है फॉर 50 rupees पर मंथ, 2 टेराबाइट का प्लान है फॉर 160 rupees पर मंथ। गाइस, ये नहीं हमें स्टोरेज का फैसिलिटी दे रहे, क्या-क्या फीचर्स दे रहे इसमें, ठीक है? फॉर एग्जांपल 2 TB ऑफ स्टोरेज, एक्सेस टू गूगल एक्सपर्ट, शेयर अप विद 5 अदर्स,
देन मोर गूगल फोटोज एडिटिंग फीचर्स, एक्स्ट्रा मेंबर बेनिफिट्स, मॉनिटर्ड डार्क वेब वगैरह वगैरह. सो गाइस सबसे पहला एप्लीकेशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, सबसे पहला क्लाउड स्टोरेज. आ जाओ. Services like Dropbox, Google Drive, Microsoft OneDrive offer cloud storage solution that allows user to store and access their files from data from anywhere with an internet connection. You can save documents, photos and other application in the cloud. Data unke paas rahega, unki zimmedari rahegi. And you can synchronize them across multiple devices. Yani agar mujhe apna Gmail access karna hai, if I were to access my Gmail सारी mails या फिर मेरा जो भी server में मेरा cloud में data है उसे access करने के लिए मुझे हमेशा यही laptop use करने पड़ेगा. True or false? हमेशा ये laptop use करना पड़ेगा. क्या मैं वही Gmail iPad से भी use कर सकता हूँ? Yes, क्या मैं वही mail इस मेरे phone से भी use access कर सकता हूँ? Yes, sir. एक ही mail में multiple devices से access कर सकता हूँ. Welcome to the concept of सिंक्रोनाइजेशन अक्रॉस मल्टीपल डिवाइसेस. यानी आप क्लाउड का स्टोरेज सिर्फ एक डिवाइस से नहीं, मल्टीपल डिवाइसेस से. वही डेटा आप ईमेल का, आपका डेटा ड्राइव का, आपका डेटा लैपटॉप से भी एक्सेस कर सकते हो, फोन से भी एक्सेस कर सकते हो, टैब से भी एक्सेस कर सकते हो और डेस्कटॉप से भी एक्सेस कर सकते हो, लैपटॉप से भी एक्सेस कर सकते हो. सबसे पहला क्लाउड स्टोरेज. बिल्कुल एमसीक्यू बेस्ड एक क्वेश्चन जरूर आएगा क्लाउड कंप्यूटिंग पे, जरूर. पूरा पूरा वेटेज इस चैप्टर का कितना है? एनी क्लू? एक मिनट लगेगा, देख ही लेते हैं. Alright guys, yes. Ethics and accounting concepts और technology and accounting, ये दोनों section मिला के 5-10% है. तो I think you should expect कितना? कितने marks के question expect करना चाहिए आपने? 5-6 marks के questions expect जरूर करना आप, ठीक है? और उनको पता है, institute को, ICA को पता है कि नहीं पढ़ते student ये वाला topic, ठीक है? So guys, yeah, that's that. तो ये जो पहला है storage का facility. अरे यार आपने स्टोरेज फैसिलिटी दे दिया, अभी काम करो ना, हमको सॉफ्टवेयर भी बना के दे दो ना, आप ही बना के दे दो सॉफ्टवेयर, हमें कोई झंझट चाहिए ही नहीं. ठीक है, बना के दे देंगे आपको सॉफ्टवेयर. SaaS कहते हैं इसको, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस. SaaS प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट यूजर्स कैन एक्सेस एंड यूटिलाइज वाया द इंटरनेट. एग्जांपल्स इंक्लूड सेल्सफोर्स फॉर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, स्लैक फॉर टीम कोलैबोरेशन, क्विकबुक्स फॉर ऑनलाइन अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट. सो गाइस ये सारे सॉफ्टवेयर्स है, ये सारे सॉफ्टवेयर्स है जो, ठीक है, पर्टिकुलर काम के लिए क्लाउड से ही बना के मिलेंगे. आप वहीं से एक्सेस कर लो, वहीं पे हमारे पास ही अपना डेटा स्टोर कर लो. जैसे हमारा टैली है तो यूएस में बहुत फेमस है क्विक बुक्स. सो गाइस अब तक हमें स्टोरेज का फैसिलिटी की बात हो रही थी, अब एक काम करो ना सर, आप सॉफ्टवेयर भी हमें क्या कर दो, खुद बना के दे दो, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस. ओके, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस. पूरे सर्वर्स देखो ना, ये सारा डेटा सेंटर्स क्या हम मेंटेन कर सकते हैं? बोलो. इतना बड़ा जायंट सर्वर फार्म क्या हम मेंटेन कर सकते हैं? बोलो. सारा इंफ्रास्ट्रक्चर ईआईएस प्रोवाइड करता है. ईआईएस ऑफर वर्चुअलाइज्ड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज लाइक सर्वर्स. आपको हम सर्वर्स दे देंगे, आपको हम स्टोरेज दे देंगे, जो हमने पढ़ा है. आपको हम नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकते हैं और हम पे एस यू गो बेसिस पे यूज करेंगे. पे एस यू गो, पे एज यू गो. थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा, अगर आपको 100 GB यूज करना है तो 100 GB का प्लान था, 200 GB यूज करना है तो 200 GB का प्लान था, 2 TB का अगर आपको स्पेस चाहिए तो 2 TB का प्लान था. करेक्ट है गाइस? यस सर.
जितना ज्यादा यूज करोगे उतना ज्यादा पे करते चलना, ठीक है। एग्जाम्पल्स इंक्लूड Amazon वेब सर्विसेज, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, Amazon, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल। सर ये तो बताया नहीं आपने, ये देखो दीज आर द क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइडर्स, लिख लो ये कहीं, दीज आर द पॉपुलर क्लाउड कंप्यूटिंग वेंडर्स और क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइडर्स, प्लीज राइट दिस डाउन, लिस्ट बना लो ये। Alright guys, so these are the cloud computing vendors जो ये service देते हैं, सारा infrastructure देते हैं, ठीक है। Amazon Web Services, AWS, Microsoft Azure, Google Cloud Platform, these platforms allows the business to scale their IT infrastructure based on the demand। आपको infrastructure में क्या चाहिए, computing resources चाहिए, system दे देंगे हम लोग, servers दे देंगे, storage चाहिए, optical jukeboxes दे देंगे, networking चाहिए, VPN चाहिए, हम provide कर देंगे। Do you remember VPN? VPN ऐसा कुछ याद है? Never heard of VPN? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, या वर्चुअल, हम दे देंगे आपको वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का प्लेटफॉर्म, हम दे देंगे सारा इंफ्रास्ट्रक्चर। दीज प्लेटफॉर्म्स अलाउ बिजनेस टू स्केल, स्केल एंड अपग्रेड देयर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड ऑन द डिमांड विदाउट नीड टू हैव एनी काइंड ऑफ फिजिकल हार्डवेयर। आपको कोई फिजिकल हार्डवेयर मेंटेन नहीं करना, आपको कोई जुक बॉक्सेस मेंटेन नहीं करना, आपको कोई क्लाउड डेटा सेंटर मेंटेन नहीं करना, आपको कोई डेटा फार्म्स मेंटेन नहीं करना, ये सब कुछ कौन करेगा, कौन करेगा, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स, क्लाउड कंप्यूटिंग वेंडर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। उसके बाद सर आप मत बना के दो हमको सॉफ्टवेयर, हमारे पास खुद ही एकदम नायाब सॉफ्टवेयर डेवलपर्स है, बिजनेस कंसल्टेंट है सर हमारे पास टीम में, हमारे पास है नीरज, संजना, प्रियंका एंड मोहित, जो लोग हम लोग खुद ही सॉफ्टवेयर बना देंगे। लेकिन सॉफ्टवेयर बनाने के लिए सर लैंग्वेज चाहिए, जावा चाहिए, ओरेकल चाहिए, वो नहीं है सर हमारे पास, ठीक है, सॉफ्टवेयर नहीं बना के देते आपको। सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जो भी प्लेटफॉर्म चाहिए, जो भी बेस सॉफ्टवेयर चाहिए, वो हम दे देंगे। इसको कहते हैं पैस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। पैस प्रोवाइडर्स ऑफर क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म्स दैट एनेबल्स डेवलपर्स टू बिल्ड, डिप्लॉय एंड मैनेज एप्लीकेशन विदाउट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट। इन्हें सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जो प्लेटफॉर्म चाहिए, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जो बेसिक सॉफ्टवेयर चाहिए, बेसिक इंफ्रा चाहिए, वो दे देंगे, तुम बनाते बैठो सॉफ्टवेयर। एग्जांपल्स इंक्लूड माइक्रोसॉफ्ट अज़ूर ऐप सर्विसेज एंड गूगल ऐप इंजन। यानी ऐप इंजन यानी क्या, गूगल ऐप बनाने के लिए इंजन प्रोवाइड करेगा। इंजन यानी प्लेटफॉर्म। अब उस इस इंजन में लैंग्वेजेस आ जाएगी, यू नो, इंजन में सारा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाएगा सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए, और जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की टूल्स है वो। कॉमन क्लाउड एप्लीकेशंस या केसेस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग में सबसे पहला था क्लाउड स्टोरेज, उसके बाद सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, और उसके बाद प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। सुपर कूल, कोई प्रॉब्लम इसमें? क्वेश्चंस पूछ लू, थोड़े बहुत क्वेश्चंस पूछ लू। आर यू रेडी? मुझे सर हमको सॉफ्टवेयर ऑफ्टर कुछ नहीं बनाना, आप ही हमें दे दो अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर, आप बना दो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। कौन सी सर्विस यूज करूंगा? सॉफ्टवेयर सर हमारे पास खुद ही डेवलपर्स है, ये प्रियंका और ये सब लोग एकदम जबरदस्त इंजीनियर्स है, ठीक है, इनकी हेल्प हम ले लेंगे, बस हमें जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो दे दो, लैंग्वेज वगैरह। कौन सा सर्विस यूज करेंगे? प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। सर मुझे नेटवर्किंग और स्टोरेज दोनों की जरूरत है, कौन सा एप्लीकेशन यूज करूं?
करेक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस. सिर्फ मैं अगर स्टोरेज मांगता हूं तो, सिर्फ मैं स्टोरेज मांगता हूं तो क्या इतना डिफिकल्ट है क्या आईटी? बोलो. क्या इंटरेस्टिंग है? क्या इंटरेस्टिंग है आईटी? सच बता रहा हूं, जो अच्छी जॉब्स है ना वो टेक में ही है, इवन इफ यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. एनीवे, वी मूव अहेड. यूज कियो कैसी बात कर रहे हो? आपसे कनेक्ट हम मीट पे हो रहे हैं, करेक्ट है? सो गाइस, कॉमन एप्लीकेशंस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग में नेक्स्ट इज क्लाउड बेस्ड कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन. ये जो हम लोग अभी टीम्स पे हमारी क्लास चला रहे हैं, जैसे जूम पे अपनी क्लास चलाते हैं, इसके लिए आपको अलग से क्या मेहनत करनी पड़ेगी बताओ? बोलो. अलग से हमें कुछ मेहनत करनी पड़ी, कुछ खरीदना पड़ा? बोलो. एप्लीकेशंस लाइक माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, गूगल वर्कस्पेस एंड जूम प्रोवाइड क्लाउड बेस्ड कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन टूल्स दैट फैसिलिटेट्स रियल टाइम मैसेजिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. हम जो कर रहे हैं ना मेरे दोस्त, क्या कर रहे हैं? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. ठीक है, मैसेज भी कर सकते हैं. तुम लोगों ने, काफी लोगों ने मुझे मैसेजेस किए होंगे. एक मिनट देख लेते, मैसेजेस चेक कर लेते, मैंने चेक नहीं किया. यस प्रियंका, सारे आंसर्स आई गेस आप मैसेजिंग के थ्रू ही कर रहे हो. सो गाइस, दैट कैन बी डन, रियल टाइम मैसेजिंग कैन बी डन. तभी के तभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकता है, फाइल शेयर करनी हो जाएगी, पूरा प्रोजेक्ट मैनेज हो जाएगा. क्लाउड बेस्ड कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन. सो गाइस, एमसीक्यू गोल्ड है, यहां बिल्कुल आएगा आपके एग्जाम में कि कौन से एप्लीकेशन का क्वेश्चन है. उसके बाद ये सब कौन है बोलो? Amazon, Flipkart, Snapdeal, ये सब कौन है? ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म. दीज आर. सो गाइस, इन सबके कोई ऑफिसेज नहीं है, सारा डेटा हमारा क्लाउड पे ही है. क्लाउड बेस्ड ई कॉमर्स. फ्यू प्लेटफॉर्म्स एनेबल बिजनेस टू सेटअप एंड मैनेज ऑनलाइन स्टोर्स यूजिंग क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर. दीज प्लेटफॉर्म प्रोवाइड फीचर्स लाइक प्रोडक्ट कैटलॉग्स, पेमेंट प्रोसेसिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड कस्टमर एनालिटिक्स. सो गाइस, फ्यू प्लेटफॉर्म्स एनेबल बिजनेस टू सेटअप एंड मैनेज ऑनलाइन स्टोर यूजिंग क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर. इन्हें पूरा जो ऑनलाइन स्टोर है वो हमारा खुद का मेमोरी पे नहीं चलता, खुद के स्टोरेज पे नहीं चलता, खुद के सॉफ्टवेयर पे भी नहीं चलता. ये सब कुछ हमें क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइड करके देंगे. इसमें प्रोडक्ट कैटलॉग्स जस्ट अ मोमेंट. इसको क्या कहते हैं जो आ रहा है स्क्रीन पे? These are all what? Product catalogs. ये जो हमारे सामने है ये सारे क्या है? Product catalogs है. ठीक है, और इसका सारा मैनेजमेंट एक ई-कॉमर्स क्लाउड कंप्यूटिंग वेंडर हमें देगा. ठीक है, यानी अगर किसी को नया प्लेटफॉर्म सेटअप करना है ई-कॉमर्स का, तो गाइस आपको पूरा सर्वर वगैरह खरीदने की जरूरत नहीं है, क्लाउड बेस्ड ई-कॉमर्स से काम बन जाएगा आपका. ओके, एंड लास्ट वन इज बिग डेटा एनालिटिक्स. क्लाउड कंप्यूटिंग एनेबल्स ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोसेस एंड एनालाइज लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा एफिशिएंटली. सर्विसेज लाइक Amazon Redshift, Google BigQuery, Microsoft Azure Data Lake Analytics provide scalable infra for big data processing and analytics, empowering business to derive valuable insights from their data. मेरी PhD e-commerce में हुई है, तो जो मैंने analysis किया था उसमें मुझे पता चला था कि Flipkart इंडिया में एक मिनट में लगभग 1200 ऑर्डर जनरेट करता है. एक मिनट में कितने? 1200 ऑर्डर्स, यानी 1200 यूजर्स चीजें खरीदते हैं. किस पे से? सिर्फ फ्लिपकार्ट में से. अब ये 1200 यूजर्स पर मिनट, तो पर डे कितना हो गया? जाने दो, इट्स अ लॉट ऑफ यूजर. वॉलमार्ट में तो हर दिन 10 लाख कस्टमर शॉपिंग करते हैं. वॉलमार्ट 10 लाख इज द नंबर एवरी डे. इतना सारा डेटा क्यूमुलेट होता है. अब ये जो हमारा कस्टमर है, ये अगली शॉपिंग क्या करेगा, इसको प्रेडिक्ट करके हमें रेडी होना होता है. इसके लिए हमें चाहिए होता है बिग डेटा एनालिटिक्स. तो ये लार्ज डेटा को प्रोसेस करने की सर्विस भी हमें कहां से मिल जाएगी? क्लाउड से मिल जाएगी, बिग डेटा एनालिटिक्स. सो गाइस, ये है सारी
क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन और केसेस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, राइट, फ्रॉम क्लाउड स्टोरेज, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, क्लाउड बेस्ड कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन, क्लाउड बेस्ड ई कॉमर्स एंड बिग डेटा. आपको ऐसा पूरा सीरियली नहीं पूछेंगे, वो एक एक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करेंगे, बट मुझे लगता है एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन इस पर जरूर आएगा आपके एग्जाम में. ऑलराइट, तो अगर कोई भी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आया तो रेडी रहोगे? All right. Yes. चलो, we move ahead. Benefits of cloud computing. तुम बता दो यार, already list आ गई. क्या benefit है? सबसे पहला improve accessibility. मैंने क्या concept सिखाया था आपको? तो सबसे पहला बेनिफिट है इंप्रूव्ड एक्सेसिबिलिटी. क्लाउड बेस्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर अलाउज यूजर्स टू एक्सेस द फाइनेंशियल डेटा फ्रॉम एनी लोकेशन विद एन इंटरनेट कनेक्शन. यार बार बार एक चीज तो जरूर मांगते हो लोग, क्या? इंटरनेट कनेक्शन. दिस हैज इंक्रीज एक्सेसिबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू अकाउंटेंट्स एंड बिजनेस ओनर्स, अलाउिंग देम टू वर्क रिमोटली एंड कोलैबोरेट इन रियल टाइम. फॉलोड बाय एनहांस सिक्योरिटी. हमारे को टेंशन ही नहीं है, सारा सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किसकी, किसकी जिम्मेदारी बोलो? करेक्ट, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स. क्लाउड बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम प्रोवाइड सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर्स टिपिकली ऑफर एडवांस सिक्योरिटी फीचर्स सच एज एनक्रिप्शन, फायरवॉल्स, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग ऑफ सेंसिटिव फाइनेंशियल डेटा फ्रॉम साइबर थ्रेट्स एंड डेटा ब्रीचेस. तो गाइज, ये लोग इतने मंझे हुए हैं, दीज आर बिग प्लेयर्स, दे हैव अ बिग टीम, तो इनका सिक्योरिटी लेवल भी अच्छा होता है, उनके पास सारी सर्विसेज होती है. खुद करने जाओगे तो महंगा भी होगा और पॉसिबल भी नहीं होगा. इंक्रीज स्केलेबिलिटी, अपग्रेड कर सकते हो आप आसानी से. स्केलेबिलिटी, ये वर्ड हमने कौन से एप्लीकेशन में पढ़ा था, जल्दी बताओ, जल्दी ढूंढ के बताओ. स्केलेबिलिटी ये वर्ड कौन से एप्लीकेशन में पढ़ा था? आज ही पढ़ा, अभी 10 मिनट पहले. इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस, स्केल अप करनी है ना आपको. वीपीएन अगर हाई पावर का चाहिए वो भी मिल जाएगा आपको, सर्वर ज्यादा प्रोसेसिंग स्पीड के चाहिए वो मिल जाएगा आपकी, स्टोरेज की स्पीड कैपेसिटी आपको 100 GB से 200 GB करनी है हो जाएगा, 200 GB से 2 TB करनी है हो जाएगा. वेलकम टू द कंसेप्ट ऑफ स्केलेबिलिटी. तो गाइस, आप कभी भी अपग्रेड कर सकते हो चुटकियों में, चुटकियों में, ठीक है. जैसे सॉरी, जस्ट मोमेंट, दिखाता हूं आपको कैसे. व्हाट इज दिस, फेसबुक कहां से ओपन हो रहा भाई? अरे ओके, तो देखना है कैसे कैसे फुल हो जाता है, यानी अगर जस्ट चेक दिस आउट. ओके, पहला वाला जो मेल था वो तो बहुत ही खाली था. चेक दिस आउट, ये कितना ओवर यूज है, देखो आप, देखो जस्ट चेक दिस आउट, कितना ओवर यूज है, कितना फुल है, 15 GB फ्री है और मैंने कितना यूज कर रखा है इसको, कैसे यूज कर रखा है, ओए हेलो, ये 1600 GB यूज हुआ है जबकि फ्री कितना है 15. तो इसका मतलब अपग्रेड कैसे करने दिया उसने मुझे, कैसे करने दिया, पैसे लिए हमने, 1600 GB, ठीक है. एनीवे, फॉरगेट दैट, 1600 GB मैंने डेटा कभी ना कभी खरीदा होगा, yes. है ना गाइस, आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करो, 3 सेकेंड के अंदर ही अपग्रेड हो जाता है, 3 सेकेंड के अंदर. स्केलेबिलिटी इज वेरी 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 क्विक. सो क्लाउड बेस्ड अकाउंट अलाउज बिजनेस टू स्केल अप एंड स्केल डाउन बेस्ड ऑन द चेंजिंग नीड्स. यानी आपको पहले बहुत जरूरत थी तो बढ़ा लो डेटा, आपको जरूरत नहीं है तो कम कर लो. एज द बिजनेस ग्रोज इट कैन इजिली एड न्यू यूजर्स एंड फीचर्स विदाउट हैविंग टू इन्वेस्ट इन एडिशनल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर. ओके, वी मूव अहेड. सबसे इंपॉर्टेंट, रिड्यूस कॉस्ट. मैं तो पहले ही बोल रहा हूं तुमको कोई भी बेनिफिट का क्वेश्चन आया तो पैसों के नाम पे वहां सो जाना, बिल्कुल समझ रहे हो. मैं क्या कहता हूं, ऐसा जबरदस्त डेटा सेंटर मेंटेन करना हमारे बस का है क्या एज अ कंपनी, बोलो? रेंट पे ले लो ना, क्या प्रॉब्लम है, रेंट इज ऑलवेज चीपर. रिड्यूस कॉस्ट. क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड बेस्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टिपिकली रिक्वायर्स लेस अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट. पहले पैसों की जरूरत नहीं पड़ती हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एज वेल एज ऑनगोइंग मेंटेनेंस कॉस्ट. दिस कैन हेल्प द बिजनेस टू सेव मनी इन आईटी एक्सपेंस एंड रिडायरेक्ट दोज फंड्स टू अदर एरियाज. फॉर एग्जांपल, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलिंग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट ऑन अ लैपटॉप और डेस्कटॉप इज फार मोर एक्सपेंसिव देन सब्सक्राइबिंग टू ऑफिस 365 व्हिच इज वेब बेस्ड डाउनलोड. फर्दर, द वेब बेस्ड डाउनलोड ऑल्सो ऑफर्स ऑप्शंस ऑफ कंटीन्यूअस फ्री अपडेट्स अनलाइक सूट ऑफिस ऑफलाइन काउंटरपार्ट. सो गाइस, वही सॉफ्टवेयर है,
वही सॉफ्टवेयर है, रेंट पे ले लो तो आसान हो जाएगा, खुद से आप खुद से सॉफ्टवेयर खरीदवा लो तो थोड़ा महंगा हो जाता है। तो बेनिफिट में सबसे पहला बेनिफिट क्या लिखोगे, पैसों के नाम पे रो देना वहां पे, रिड्यूस कॉस्ट। उसके बाद कोलैब करना है, बहुत आसान है। क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन अलाउज मल्टीपल यूजर टू कोलैबोरेट इन रियल टाइम, रिड्यूसिंग द नीड फॉर मैनुअल डेटा एंट्री एंड कम्युनिकेशन। दिस कैन हेल्प टू स्ट्रीमलाइन वर्कफ्लोस एंड रिड्यूस एरर्स कॉज्ड बाय मिसकम्युनिकेशन। सो गाइस आप साथ में कोलैब कर सकते हो, और स्पेसिफिकली थैंक्स टू व्हाट, कौन से कॉमन एप्लीकेशन है क्लेस केस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग है जिससे कोलैबोरेशन पॉसिबल होगा, जल्दी बताओ। कोलैबोरेशन पॉसिबल होगा, जल्दी बताओ। हो गया, टाइम इज अप। करेक्ट, क्लाउड बेस्ड कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन। इससे मिसमैनेज नहीं होता, क्योंकि आपका कम्युनिकेशन बहुत फास्ट हो जाता है। ठीक है, दिस कैन हेल्प टू स्ट्रीमलाइन वर्कफ्लोस एंड रिड्यूस एरर कॉज्ड बाय मिसकम्युनिकेशन। लिखो वहां पे दिस प्रॉब्लम, मिसकम्युनिकेशन को अंडरलाइन करके लिखो, दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय क्लाउड बेस्ड कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेट। करेक्ट audible guys, yeah, streamline collaboration. Then the last one is improved reporting and analytics. Cloud-based accounting software often includes powerful reporting and analytics tools that allows the businesses to gain deeper insights into their financial performance. This can help the business make more informed decisions and identify the areas of improvement. Improved reporting and analytics, raise your hands, don't leak the answer. Okay, sabko mauka denge. Cloud ka kaun sa area hai jisse analytics improve hoga? Cloud computing ka kaun sa area hai jisse एनालिटिक्स इंप्रूव होगा? वेरी गुड सोनू, वेरी गुड जेडी, कम ऑन, इट्स इजी, व्हाट आर यू डूइंग मैन? ऑलराइट, यस, anyone who can give me the answer? Sonu bolo. Big data analytics. Absolutely correct, big data analytics. So guys, jo sare cases hai, applications hai, usi se hame benefits mil raha hai. So guys, these are the benefits of cloud computing: improved accessibility, enhanced security, increased scalability, reduced cost, streamline collaboration and improved reporting and analytics. Super cool, these are the benefits. Ye question aa sakta hai 4 mark ke liye. Rise in improved reporting and analytics. Rise se hame 4 points clear ho jate hai. IN for increased and improved reporting and analysis. Please write it down. Are we done? Yes, sir. All right. So, guys, आ सकते हैं जो questions exam में जो insightfully मुझे लगते हैं, तो you know वो please ready करके रखिएगा. Please do not underestimate CA final exam. You know it. Why am I telling you this? Do not underestimate CA final exam. Trust me. अगर कोई practical question अगर हमें नहीं बना, तो guys सच बता रहा हूँ. अगर हमें कोई practical question नहीं बना, तो you know
थ्योरी के 4 मार्क्स बहुत क्रूशियल रहेंगे. राइट गाइस, व्हाट से? सो फॉलोइंग आर द पोटेंशियल चैलेंजेस विच में इमर्ज इन क्लाउड कंप्यूटिंग. सबसे पहला, इट इज प्रोन टू अटैक. प्रोन टू अटैक बाय द हैकर्स, डेटा स्टील हो सकता है. सिंस क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर आर कंप्लीटली ऑनलाइन, दे आर प्रोन टू अटैक फ्रॉम हैकर्स एंड कुड स्टील डेटा एंड पासवर्ड्स एंड कॉम्प्रोमाइज द इंटीग्रिटी ऑफ प्रोसेस डेटा, देयर बाय कॉजिंग डिसरप्शंस टू द बिजनेस. सो गाइस, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, इस पे अटैक हो सकता है. ये तो प्रॉब्लम ही है ना, ये तो टेक्नोलॉजी का इशू है आजकल, बिकॉज एवरीथिंग इज ऑनलाइन. उसके बाद स्ट्रॉन्ग नेट कनेक्टिविटी. क्लाउड का डेटा एक्सेस करने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट है इंटरनेट, और इंडिया में हर सिटी में अच्छा इंटरनेट थोड़ा मुश्किल है. क्या कहते हो? स्ट्रॉन्ग नेट कनेक्टिविटी इज मस्ट फॉर क्लाउड कंप्यूटिंग टू बी अ सक्सेस. दो देर हैज बीन ह्यूज सर्ज इन द नेटवर्क थैंक्स टू जियो सर्ज यानी अपग्रेड एंड मोबाइल कनेक्टिविटी इन द पास्ट डेकेड, कनेक्टिविटी इन नॉन मेट्रोस टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज इज नॉट वेल डेवलप्ड, विच कुड क्रिएट एक्सेसिबिलिटी इश्यूज टू द यूजर्स ऑफ क्लाउड बेस्ड. तो हमारा जो फंडा है ये, इट विल कम टू अ स्टैंड स्टिल अगर क्या नहीं हो तो इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छा नहीं हो तो. तो गाइस, एक एग्जांपल है, जनरल एग्जांपल पे क्वेश्चन नहीं बनते हैं, बट लेट्स स्टडी दिस. एक बार देख लेते हैं. द फाइनेंस टीम ऑफ एक्स वाई जेड कंपनी कंसिस्टिंग ऑफ सीए एंड फाइनेंशियल एनालिस्ट कोलैबोरेट्स ऑन द प्रिपरेशन ऑफ इनकम स्टेटमेंट. दे यूटिलाइज क्लाउड बेस्ड कोलैबोरेशन टूल लाइक माइक्रोसॉफ्ट टीम एंड गूगल वर्कस्पेस टू एनहांस देयर एफिशिएंसी एंड एंश्योर एक्यूरेसी इन रिपोर्टिंग. तो गाइस देखो, दो लोग अलग अलग लोग साथ में मिलकर काम कर रहे हैं. कोलैबोरेटिंग सॉफ्टवेयर कौन सा यूज किया क्लाउड का? माइक्रोसॉफ्ट टीम. और डेटा स्टोर करने के लिए क्या यूज किया है? गूगल वर्कस्पेस. ओके, नाउ तो ये आ गया क्लाउड का काम. यूजिंग क्लाउड बेस्ड स्प्रेडशीट और शेयर डॉक्यूमेंट्स. क्लाउड का स्प्रेडशीट का नाम बताओ. अरे मेरे ऑफिस वालों, क्लाउड बेस्ड स्प्रेडशीट का नाम बहुत आसान है. करेक्ट, गूगल शीट्स. एब्सोल्युटली करेक्ट. उनको बोलो, इतना अच्छा नॉलेज है तुम लोगों के पास, उनको बोलो फेल करके दिखाए. सही है ना? ज्यादा तो नहीं बोल रहा हूं मैं. उनको बोलो फेल करके दिखाए, ठीक है, और पढ़ाई करो, ठीक है. क्लाउड बेस्ड स्प्रेडशीट और शेयर डॉक्यूमेंट. द फाइनेंस प्रोफेशनल्स फ्रॉम वेरियस लोकेशंस इनपुट द रिलेवेंट फाइनेंशियल डेटा इनटू द इनकम स्टेटमेंट टेम्पलेट. दे अपडेट रेवेन्यू फिगर्स, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, एंश्योरिंग एक्यूरेट एंड कॉम्प्रेहेंसिव डेटा कलेक्शन. थ्रू क्लाउड कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म्स, टीम मेंबर्स कैन वर्क ऑन इनकम स्टेटमेंट साइमल्टेनियसली रिगार्डलेस ऑफ द फिजिकल लोकेशन. दे कैन रिव्यू, एडिट एंड मेक रियल टाइम अपडेट्स टू द डॉक्यूमेंट. फॉर एग्जांपल, द फाइनेंस टीम इन मुंबई कैन अपडेट द रेवेन्यू फिगर्स बेस्ड ऑन द सेल्स डेटा रिसीव, वेल द टीम इन बैंगलुरु कैन रिवाइज द ऑपरेटिंग एक्सपेंस बेस्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड. सो गाइस, अलग अलग लोग एक साथ काम कर पा रहे कोलैबोरेशन में. यहां से एक डेटा एंट्री कर रहा है, वहां पे अपडेट हो रहा है, दूसरी जगह से डेटा एंट्री कर रहा है, वो भी अपडेट हो रहा है. क्लाउड बेस्ड टूल्स ऑफर वर्जन कंट्रोल फीचर्स अलाउइंग द टीम टू ट्रैक चेंजेस मेड टू द इनकम स्टेटमेंट ओवर टाइम. दिस इंश्योर्स दैट द लेटेस्ट वर्जन इज ऑलवेज एक्सेसिबल एंड हेल्प्स इन मेंटेनिंग एन ऑडिट ट्रेल फ्रॉम एनी रिविजन और मॉडिफिकेशन. वंस द इनकम स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड, द फाइनेंस टीम कैन यूज क्लाउड बेस्ड कम्युनिकेशन चैनल सच एज इंस्टेंट मैसेजिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टू डिस्कस द डॉक्यूमेंट. द टीम लीड ऑफ फाइनेंस मैनेजर कैन रिव्यू द इनकम स्टेटमेंट, प्रोवाइड फीडबैक एंड अप्रूव द फाइनल वर्जन. Cloud-based collaboration ensures that all team members have secure access to income statement. यानी जो security का problem है वो भी solve कर रहा है. From the respective location, user access control, यानी आपको login के बिना आपको access नहीं मिलेगा. User access control and permission can be managed to restrict access to authorized personnel, maintaining data confidentiality and security. यानी सबको data access नहीं मिलेगा, data का confidentiality secured रहेगा thanks to cloud computing. Alright? So yeah, that was that about it. Are we ready for the quiz? Shall we test your knowledge? All right, guys. So, first question. Every question you get 30 seconds to answer. Whatever we have discussed today, usi basis pe question hai. Koi aisa extracurricular question nahi hoga. Do not cheat. Answer fast. Answer quickly. Are we ready? Yes, who was the winner in the last quiz? Who was the winner? Me, sir. Okay, Angi. Just a moment. Angi, if you happen to win today's quiz, okay, I'll gift you this book. I'll make sure that this book is delivered to you. All right? Okay, sir. Okay, just read what this book is about.
नहीं ना, आंगी ने दो दो कंसेक्यूटिव जीते, तो अगर आप आज का क्विज जीते और कल का क्विज जीते तो आपको दे दूंगा मैं। सुबकुल ऑलराइट, चलो ऑल द बेस्ट, डू वेल। 10 स्टेप्स टू द बोर्ड रूम, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आप बनोगे तो कैसे पहुंचोगे वहां, इसकी बुक है ये। एनीवे चलो गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन, 30 सेकंड्स, आंसर करेक्टली एंड आंसर फास्ट, गो गो गो। Which Indias establishes principles for the presentation and preparation of CFS when an entity controls one or more other entities? Easy question this is. Ind AS 1110, Ind AS 104, Ind AS 107 and Ind AS 110. The correct answer was Ind AS 110. क्या हमने पढ़ा है आज के session में ये? Yes, sir. All right, let's check out the leaderboard. Angi was the winner last time. She's second right now. Priyanka, no. She is joined first with Angi. Priyanka and Angi are joined first, followed by Sanjana, 2 points behind, followed by Janish, 2 points behind, then Kajal, then Lola, and then Ronald. MS, Sonu, and Neeraj, they have disappointed big time, but any which ways, I guess aap jalbazi kar gaye, right? Yes, sir. Jalbazi mein ho. Yes, sir. I understand. Ek minute. मेहनत से बनाया ये क्विज, ठीक है, रैंडमली नहीं बनाया है, समझ रहे हो क्या, कहीं से कॉपी पेस्टेड नहीं है क्वेश्चंस। सुबकुल ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, गो गो गो। Cloud computing refers to the delivery of computing services over the cloud, internet, software, client server architecture. Everyone has voted and rightfully so. The correct answer is over the internet. And cloud computing refers to delivery of computing services over the cloud. Wah! Internet is the mainstay of cloud computing. So, up for the difference aa jayega. Angi, are you kidding me? This was the easiest question. Angi. Angi, what is this? You missed out on a great book. My favorite hai. Anyway. So Janish is the fastest and he gets the benefit of it. 100 points behind is Priyanka. Priyanka, it was very slow. Kajal, Lola and rest of us have... Anyway, chalo. All right, guys, here we go. 3 more questions to go. You can still turn the tables around. Go, go, go. Oh, padhna padega isko to. Bahut sara hai. The adoption of RPA in financial reporting improves accuracy, enhances efficiency, and frees up valuable time for finance professional to focus on more on the strategic activities. Absolutely correct. Well done, guys. Let's check out the leaderboard. Janish. Janish. Are you kidding me, Priyanka? Are you kidding me? All right. Kajal Chawla. Oh, my goodness. Angi was the fastest in this question. She's trying very hard. All right. Kajal, well done. Bohat badhiya. Bohat badhiya. All right, guys, 2 more questions to go. Let's check it out. Are you ready? Shall we? Go, go, go. Google App Engine is which case of cloud computing? Now, this was easy, provided you know. Google App Engine, app banane ke liye engine. The answer is, the correct answer is platform as a service. Oh my goodness. Let's check out the leaderboard. Kajal is the winner today, by all means. Kajal, she is leaving no stone unturned. Kajal, do you really want this book very desperately? Is it? Yes, sir. Oh God. Well done. Bahut badhiya. So Kajal ko harana thoda mushkil hai. Neeraj, Lola. Who is Lola? Lola, who is Lola? नहीं, उसने नाम लिखना भूल गया. देखिए, लोला, रोनाल्ड एंड संजना, ठीक है, एक चांस है कि आप काजल को, नहीं, संजना के पास नहीं है चांस, काजल को रहा है. नीरज, लोला एंड रोनाल्ड, आप तीनों के पास है. काजल, मेरा फर्स्ट गो
एनीवे कोई नहीं, यू कैन स्टिल मेक अ कमबैक. लास्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, इट्स अ बिग क्वेश्चन, इट्स अ लॉन्ग क्वेश्चन. ऑलराइट गाइस, गो गो गो. Cloud based accounting software allows business to easily increase or reduce based on their changing needs. This explains the benefit of cloud computing. Which benefit of cloud computing? CCNA cloud computing. Of course, the answer is increased scalability. And most of you have answered it correctly. Guys, let's check it out. The leaderboard, final leaderboard. Kajal is surely the winner of this quiz. Kajal, well done. Alright, so, वादे के मुताबिक मैं आपको book तो नहीं दे पाऊंगा आज. But Kajal, if you win it in the next lecture as well, I deliver this book to you. Super cool. Yes, sir. All right, guys. I hope you liked the session. I hope you liked IT with accounting. Yes, sir. Yes, sir. All right, great. Angi, all the best. Make a comeback. We still have some more lectures to go for this chapter, and let's make the most of it. Super cool. Yes, sir. All right, guys. This is Pavan Gaukar signing off. See you in the next video. Till then, take care of yourself. Study well. Bye, bye, guys.